तो डीएफ में जो उस दिन हम बात कर रहे थे उसका अगला हिस्सा इसको हम कह सकते हैं सेशन को डीएफ टू पिछले सेशन में हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे कि डीए एफ के कौन कौन से हिस्से में कितना पढ़ने की जरूरत है कितनी तैयारी हमें करनी है सबसे पहले हम शुरू कर सकते हैं कि जो आपके बैकग्राउंड सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको कितना पढ़ने की जरूरत है ऑप्शनल्स की बात करते हुए मैंने आपसे एक बात कही थी लेकिन एक छोटा सा उसमें हिंट और देता हूं जो यहाँ भी काम आएगा और वहाँ भी काम आ जाएगा अब तो खैर एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट है मैंने आपसे एक ही बात जो पिछली पूरी चर्चा हमारी थी उसका सार केवल एक ही बात है आपसे क्या पूछा जाएगा इसको समझने के लिए आप परकाया प्रवेश करें परकाया प्रवेश समझते हैं एक भारतीय दर्शन का हिस्सा है परंपरा का हिस्सा है कि दूसरे व्यक्ति की देह में उसके शरीर में प्रवेश करके उसके दिमाग में घुस के सोचिए कि वो कैसे सोचेगा इसके बारे में तो इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स आपके विषय के बारे में क्या सोचेंगे आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है परसेप्शन चेंज करना है परसेप्शन को टर्न करके फिर देखिए जैसे मान लीजिए मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट इतिहास है मैंने उस दिन आपसे कहा था कि वो लोग आपसे इतिहास के बारे में क्या क्या पूछेंगे तो दो तीन बातें हैं पहली बात तो ये कि अगर वो इतिहास के लोग हैं तो अपने बैकग्राउंड से कुछ पूछ लेंगे लेकिन आमतौर पर वो अधिकतर लोग कौन से हैं जो तीस साल से पैंतीस साल से सिविल सेवाओं में काम कर रहे हैं उनके लिए इतिहास का मतलब क्या है कि एक तो इतिहास से जुड़ी हुई संस्थाएं जो हैं उन संस्थाओं में शायद उन्होंने काम किया होगा तो ये एक पॉइंट मिस हुआ था संस्थाएं जैसे नेशनल म्यूजियम के बारे में वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में सवाल पूछ सकते हैं और आप ये कह के नहीं बच सकते कि ये हमारे सिलेबस में नहीं था तो वो सारी सरकारी संस्थाएं जिन संस्थाओं से उनका कोई ना कोई कनेक्शन शायद रहा हो एक्सपोजर लेवल रहा हो और आपका बेशक पाठ्यक्रम का हिस्सा वो नहीं था एक बात अगर मैंने कही थी तो ठीक है वरना से जोड़ लीजिए करंट इवेंट्स आपके वैकल्पिक विषय को लेकर जो करंट इवेंट्स हैं जैसे हिस्ट्री है हिस्ट्री में भी करंट इवेंट्स हो सकते हैं और वो ये हो सकते हैं कि अगर कोई नई खुदाई हुई है तो उनके मन में स्वाभाविक रूप से वो जिज्ञासा आ जाएगी कि उस नई खुदाई के क्या क्या निष्कर्ष हैं जैसे आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था तो पता लगा कि हस्तिनापुर तक खोज पहुंचने वाली है वो पांडवों के महाभारत कालीन साक्ष्यों की खुदाई करना शुरू कर रहे हैं और उसमें ए और कुछ और संस्थाएं भारत सरकार की शामिल हैं तो वो लाक्षागृह उन्होंने ढूंढ लिया है अब ढूंढा नहीं ढूंढा पता नहीं पर उनका क्लियर में ढूंढ लिया है अब उसकी खुदाई करेंगे लाक्षागृह मिल जाएगा या उससे जैसा कुछ मिलेगा तो इंटरप्रिटेशन होंगी और वहाँ से करते करते हस्तिनापुर जाएंगे तो आपको पता है कि वर्तमान सरकार की पूरी इच्छा है कि वो साबित करेगी महाभारत रामायण ऐतिहासिक मामले हैं न कि मिथकीय मामले हैं तो वैसा करेंगे जब पिछली बार एन की सरकार थी तो द्वारका में खुदाई का एक प्रपोजल बहुत गंभीर आ गया था और तब बात ये चलती थी कि द्वारका में खुदाई करेंगे तो हड़प्पा से पुरानी सभ्यता वहां पर है ऐसा क्लेम था अब हिस्ट्री के बारे में ये सोचना है कि उसमें करंट अफेयर्स नहीं होते गलत बात है हिस्ट्री में भी करंट अफेयर्स होते हैं कोई नई खुदाई कोई नई खोज हुई हो भारत में हुई हो भारत के बाहर हुई हो नई इंटरप्रिटेशन आई हो इन सबको ध्यान से देखिए क्योंकि इस पर उनकी निगाह हमेशा रहती है तो संस्थाएँ और करंट इवेंट्स ये दो आस्पेक्ट्स आप जोड़ लीजिए उसमें बैकग्राउंड सब्जेक्ट्स के बारे में देखिए अगर बात है क्लास बारहवीं तक की तो प्रायः आप उन्हें छोड़ सकते हैं और उसमें चिंता की बात नहीं है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो आपसे सवाल नहीं पूछेंगे वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं उनके पास तो पूरी खुली छूट है वो तो पता ही है कि मेरे मामा जी का नाम बताओ पूछ सकते हैं तो उनके पास तो वो लिमिट है नहीं वो तो हो सकता है किसी को वही विषय अच्छा लगता हो जो आपने ग्यारहवीं क्लास में पढ़ा था तो वहीं से बात करना शुरू कर दे तो बारहवीं क्लास तक को छोड़ दें या केवल एक दिन अधिकतम आप लगाएं बारहवीं क्लास तक के विषयों को देखने में जैसे मान लीजिए कि आपने बारहवीं क्लास में संस्कृत पढ़ी है अब तो भूल ही गए होंगे कितने लोगों ने पढ़ी है संस्कृत में से दसवीं बारहवीं तक कभी पढ़ी है जीवन में है ना ठीक है कभी तो पढ़ी होगी लगभग अब हो सकता है कि बोर्ड में ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसकी रुचि संस्कृत को ही पुनर्स्थापित करने में हो असंभव थोड़ा है और इस सरकार में ज़्यादा हो सकता है क्योंकि इस सरकार में ऐसे लोगों को ज़्यादा महत्व मिलता है जो संस्कृत भाषा का समर्थन करते हैं अब हो सकता है कि वो मुहिम लेके चलाओ कि इंटरव्यू बोर्ड में ऐसे सवाल पूछूंगा बच्चों से और पूछे कि भैया आपने बारहवीं क्लास में संस्कृत पढ़ी है दसवीं में पढ़ी है और सुनते ही आपके चेहरे पे हवाई हवाइए उड़ने लगे कि ये कहाँ फंस गया मैं तो आप कहेंगे सर पढ़ी तो है, लेकिन याद तो नहीं है कह नहीं कोई बात नहीं बेटा कुछ तो याद होगा कुछ तो याद होगा आपको तो एक दिन में जो कह रहा हूं सिर्फ इसलिए कि जब वो कहे ना कुछ तो याद होगा तो आप कुछ बता सके कि हाँ ये याद है जैसे संस्कृत की बात कोई पूछे ना तो आप कम से कम ये बता सके कि हाँ सर संस्कृत में क्या होता है कि दो चीजें होती हैं एक होते हैं रूप और एक होते हैं धातु जो वर्ब्स हैं क्रियाएं हैं उनका संबंध धातुओं के साथ है और जो संज्ञाएं हैं या सर्वनाम है नाउंस या प्रोनाउंस हैं उनका संबंध शब्द रूप के साथ है इतना भी अगर बता देंगे और ये अच्छा कुछ सुनाओ आप कहना सर राम रामौ रामा रामम रामौ रामान रामा रामेण राम अभ्यम रामभ्यय जो भी होता है एक आध रूप शुरू के तीन भी सुना देंगे ना तो समझ जाएंगे कि हाँ बच्चा पढ़ता था अपने जमाने में फिर सर्वनाम हुआ तो सहता उतरे सुना दिया एक आध कहेंगे कोई एक धातु बता दो भाई तो पढ़ती पढ़ते पठनती कर दीजिए वहाँ पर और ये बताएं कि लट लकार होता है लोट में ऐसे होगा लट में ऐसे होगा ये काम करने में आपको मुश्किल से एक घंटा लगेगा उससे ऊपर नहीं लगेगा लेकिन इतना पता हो और संस्कृत साहित्य में कोई दो चार किताब के नाम पूछ लेंगे तो अब बोना सर अभिज्ञान शकुंतलम लिखा है कालिदास ने विक्रम और रशियम लिखा है एक दो नाटक बता दीजिए उनके एक आध किसी और का बता दीजिए इतना बताने के बाद सारी माफी है आपको कोई समस्या नहीं है लेकिन अगर आप ग्यारहवीं बारहवीं के विषय के बारे में इतना भी ना बताएं तो चिंता होती है कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन में किस तरह से काम किए हैं सीरियसनेस इसमें थी या नहीं थी तो बारहवीं क्लास तक का उतनी ही अपेक्षा है उससे ज्यादा नहीं है उसके बाद ग्रेजुएशन अगर आपका नियरेस्ट डिग्री है यानी अगर आप ग्रेजुएशन करके ही यूपीएससी में आ गए हैं तो ग्रेजुएशन को थोड़ा सा देखना होगा अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसको थो थोड़ा विस्तार में देखिए जो लेटेस्ट डिग्री है थोड़ा सा विस्तार में उससे पहले की डिग्रीज के बारे में अप्रोच यही रखिए मैंने उस दिन कहा भी था जैसे अंग्रेजी साहित्य आपने पढ़ा हुआ इंग्लिश पढ़ा हुआ तो एक की बुक से केवल इंग्लिश लिटरेचर में जैसे जैसे ज़माना बदला हर युग में हर सेंचुरी में कम से कम एक दो एक दो नाम पता होने चाहिए इसे फिफ्टीन सेंचुरी में ये लोग थे और इनके लिटरेचर का मिजाज इस तरह का था सिक्सटीन में यह हुआ इस समय रोमांटिसिज्म आ गया इस समय क्लासिसिज्म आ गया आप ये सब बता सकें और इसके लिए मेहनत कितनी करनी है दो से तीन घंटे उससे ऊपर नहीं करनी है। लेकिन जो आपकी लेटेस्ट डिग्री है पी है अगर वो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है फिर तो आप मान के चलिए कि आपकी यात्रा बहुत आसान है अगर आपका पी का विषय कुछ और है एक्स है और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट वाई है तो एक सवाल तो यही कि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट यही क्यों नहीं लिया ये सवाल तो बहुत कॉमन है आप में से कितने लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं कि ऑप्शनल कुछ और है बैकग्राउंड कुछ और सब विषय की है लगभग सब लोग इसमें जूझते हैं फिफ्टी परसेंट से ऊपर ही होंगे तो इसका उत्तर तो हम अगले सेशन में देख लेंगे ऐसे प्रश्नों का उत्तर क्या देखिए इस पर डरने की जरूरत नहीं है जैसे कार्डर वाला वीडियो हमने बनाया तो उसके बाद कई बच्चों ने मैसेज पूछा कई उन्हें पर्सनली फ़ोन करके पूछा कि अगर हम पूरी प्रेफरेंस नहीं भरेंगे तो इंटरव्यू बोर्ड में सवाल पूछा जाएगा हम कैसे हैंडल करेंगे तो मैंने कहा तो आपकी चॉइस है मैंने तो ये कहा था कि अगर मैं भरता तो मैं तीन या चार जोन भरता सारे ना भरता तो, तो आपकी चॉइस आप सारे भर दीजिए और नहीं आपका मत क्या है आपकी राय क्या है मेरी राय ये है कि सारा मत भरिए उसमें फंसने का स्कोप ज़्यादा है और एक सवाल को हैंडल करना पूरी ज़िंदगी भर एक आर्डर को हैंडल करने से आसान है आप सिर्फ इसलिए कि एक सवाल पूछा जाएगा इंटरव्यू बोर्ड में और मैं क्या जवाब दूंगा या दूंगी इस चक्कर में आपने वो कॉर्डर भर दिया और सबसे पहले मिल गया नागालैंड और मिल गया क्यों क्योंकि आपने वो इसलिए भरा था कि सवाल ना पूछ ले सवाल तो वो यही पूछ सकते हैं कि नागालैंड क्यों भरा है सवाल का तो क्या है मामा जी का नाम पूछना उनको क्या फ़र्क पड़ता है कुछ भी पूछ लेंगे तो उस सवाल से बचने के बजाय आपने ज़िंदगी पूरे दावों पर लगा दी हालांकि कोई नागालैंड बाई चॉइस जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी जैसे मुझे काडर भरना हो तो मुझे इस बात से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं नॉर्थ ईस्ट में गया कि साउथ में गया क्योंकि मुझे भाषा सीखना एक एडवांटेज लगती है जो लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं उनको बड़ा फ़ायदा होता है वो एक्स्ट्रा भाषा सीख जाते हैं उनके बच्चों को विशेष फ़ायदा होता है क्योंकि उनके बच्चे एक, एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखते ही सीखते हैं जैसे मेरे जो मित्र तमिलनाडु काडर में हैं उनके बच्चों को तमिल भी आती है अंग्रेज़ी भी आती है हिंदी भी आती है पर दिल्ली में रहने वाले मेरे दोस्त या मैं खुद हमारे बच्चों को हिंदी और इंग्लिश ही आती है एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज बाई डिफ़ॉल्ट आप सीख लेंगे ये अचीवमेंट है ये समस्या नहीं है ये अचीवमेंट है पर जरूरी नहीं है कि हर किसी का परसेप्शन ऐसा हो तो कुछ लोगों से चिंता भी हो सकती है तो सवाल से डरना नहीं है मुश्किल से मुश्किल सवाल का जवाब हम दे सकते हैं आपने वैकल्पिक विषय क्यों बदला इसका जवाब देने में कुछ नहीं रखा वो बहुत आसान सा जवाब है सबसे अच्छा जवाब पता कौन सा होता है जो सच्चा जवाब होता है वो कहते हुए कन्विक्शन होती है चेहरे पर आप कहेंगे सर मैं तो अपने वैकल्पिक विषय को ही लेना चाहता था लेकिन इस एग्जाम के लिए मैंने पढ़ाई भी की तैयारी भी की और अगर आपने पहले अटैम्प्ट दिया उससे तो आप उसका जिक्र करें कि मैंने उससे अटैम्प्ट भी दिया पूरी मेहनत के बाद पूरी कमांड के बावजूद मुझे उसमें अच्छे अंक नहीं मिल पाए मुझे लोग कहते थे कि इस विषय की परफॉर्मेंस यूपीएससी में बेहतर नहीं है पर मैं इस बात को नहीं मानता था पर जब मैंने खुद दो बार ट्राई करके देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि सचमुच कुछ ऐसा गैप है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तब मुझे किसी ने सबने कहा कि ये विषय लो मैंने इसको लिया तीन महीने पढ़ा चार महीने पढ़ा और आज मैं आपके सामने हूं यह अपने आप में शो करता है कि सभी विषय बराबर नहीं है और इस दुर्भाग्य की वजह से मुझे विषय बदलना पड़ा इसमें क्या समस्या है शानदार उत्तर है क्या कहेंगे ये कहेंगे ना अच्छा तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि यूपीएससी में सारे विषय बराबर नहीं यही तो पूछ लेंगे आप कहना सर खेद के साथ मैं यही कहना चाह रहा हूं ठीक है मुझे खेद है इस बात का पर सच बात यही है आप रिपोर्ट देख लीजिए हर विषय इक्वल परफॉर्म नहीं करता यूपीएससी में मुझे नहीं पता कि यूपीएससी का इंटरनल एनालिसिस इस पर क्या कहता है आप यही कहिए कि हमें नहीं पता कि इंटरनल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं लेकिन यूपीएससी के बाहर जहां विद्यार्थी तैयारी करते हैं वहां ये बात वेल well एस्टेब्लिश्ड है कि सारे विषय बराबर नहीं है इसलिए मैं इंजीनियर था और मैं अगर हिंदी साहित्य से परीक्षा दे रहा हूँ या मैं इतिहास से परीक्षा दे रहा हूँ इसलिए नहीं कि मैं उससे भाग रहा हूँ मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ उनसे बात कर सकते हैं ये तो सवाल था कि मैंने एक सपना देखा है तो मैं उस सपने के लिए किस हद तक मेहनत कर सकता हूँ तो मैंने तो एक्स्ट्रा एफर्ट किया है क्योंकि मुझे सिविल सेवक बनना उसके लिए मैं इस हद तक जा सकता हूँ कि मैं नए विषय तैयार करूँ पढ़ूँ और आपके सामने आऊँ ये मेरा भगोड़ापन नहीं है ये मेरा पलायन नहीं है एस्केपिज्म नहीं है ये मेरी कमिटमेंट को शो करता है इस तेवर में बात कीजिए उनसे क्यों नहीं कन्विंस होंगे बस शर्त एक है जब आप ये कहें तो आप अपने बैकग्राउंड सब्जेक्ट पर बात करने की स्थिति में हो ये नहीं कि वहाँ शुरू टाइटा फिस हो गया कि <laughs> फिर साबित हो गया कि आप वहाँ से भाग के यहाँ पर पहुँचे हैं अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं तो कंफर्टेबल नहीं है तो फिर दूसरा उत्तर बनेगा फिर आप कह सकते हैं कि सर बहुत ईमानदारी की बात यह है कि मैं उस विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन कर तो रहा था पर मैं बहुत कम्फर्टेबल हो नहीं पाया उसके साथ मैंने मेहनत की पढ़ाई की पर यह तो रुचि नहीं बन पाई या मैं उस विषय के साथ बहुत कंपेटिबल नहीं था तो मैंने मैनेज तो किया अंक भी आ गए डिग्री भी मिल गई लेकिन सहजता विकसित नहीं हो पाई तो जब मुझे लगा कि यूपीएससी की तैयारी करनी है इसमें बहुत गहरे सवाल होते हैं बहुत टफ़ लेवल पे परीक्षा होती है तो मैं एक ऐसे हथियार के साथ नहीं उतरना चाह रहा था जिस मैं खुद ही अभ्यस्त नहीं हूँ इसलिए मुझे लगा कि ये सही समय है कि मैं विषय बदलूँ डूब के पढ़ूँ और फिर मैं कॉन्फिडेंट हो के आपसे बात कर सको इसलिए मैंने विषय बदला क्या दिक्कत है इसमें उन्हें सब पता है कि आपने विषय क्यों बदला उनके बच्चे भी विषय बदल के एग्ज़ाम दे रहे हैं यूपीएससी का जितने बैठे होंगे सबके बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे यूपीएससी का सब ने विषय बदले होंगे उनको सब पता है ऐसा नहीं कुछ छिपा हुआ उनसे पूछते इसलिए कि आप क्या जवाब देते हैं आपका स्टैंड क्या है तो आप अच्छे से बात कीजिए उनसे सहज बात करेंगे तो फायदे में रहेंगे तो जो लेटेस्ट विषय है उस पर वो सारी बातें लागू होंगी जो ऑप्शन पर लागू होती हैं यानी नि? उनकी निगाह से जो जो बातें उनको समझ में आती हैं वो सब उस पर कर लीजिए विषयों के बाद अगर आपके पास कोई हायर डिग्री है और दूसरा अगर आपका बीच में गैप आ रहा है जैसे आपकी पढ़ाई में एक आध साल का गैप है तो शायद उनकी निगाह ना जाए गैप दो तरह का है एक हो सकता है कि डिग्री वन और डिग्री टू के बीच का गैप हो आपने ग्रेजुएशन कर लिए सर 2013 में और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू किया 2016 में और किया इसलिए कि इंटरव्यू फॉर्म में दिखता रहे कि हाँ मैं लगातार पढ़ रहा हूँ तो उनमें से एक आध व्यक्ति मुझे लगता है इस काम के लिए नियुक्त ही होता है कि वो गैप को ढूंढता है कि गैप तो नहीं दिख रहा है फिर वो गैप पर पूछ लेते हैं जनरली अगर आपका गैप है तो फिफ्टी परसेंट चांसेस हैं कि गैप पर पूछेंगे ही पूछेंगे कि ये तीन साल आप क्या कर रहे थे और कई लोग तो हिंदी माध्यम में तो बल्कि कई बार ऐसा भी होता है कि आप आठ नौ साल के बाद पहुँचे हैं ग्रेजुएशन किया था पिछले दशक में और इस जैकेट में आप इंटरव्यू देने के लिए पहुँचे हैं तो सवाल बनता है कि एक दशक आप क्या कर रहे थे दो लोग खत्म हो गई इस बीच में और आप क्या कर रहे थे तो दूसरा गैप है डिग्री और आपके इंटरव्यू के बीच का अगर गैप एक आध साल का है तो कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देगा गैप जितना ज़्यादा है उस पर सवाल उतने ज़्यादा आते जाएंगे तो मान लीजिए आपका गैप पाँच सात साल का है इंटरव्यू से पहले तो आप ये मान के चलें कि ये तो पेपर लीक हो गया है तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपसे इसका जवाब सरेआम देना ठीक नहीं होता है कि मैं आपको कोई जवाब दूँ आप वही जवाब वहाँ दें सबका एक ही जवाब हो तो वो सूटेबल नहीं है सच्चा जवाब देना मुश्किल काम है जैसे ही आप ये कहेंगे कि सर मैं पिछले नौ साल से तैयारी कर रहा था यूपीएससी की तो उनके मन में भाव आता है कि बेटा फिर छोड़ दो आप तो अगली पीढ़ी में देखेंगे इस पीढ़ी में छोड़ दो सच आमतौर पर ये है कि आपने नौ साल में हो सकता है कि सीरियसली आखिरी तीन साल में ही काम किया हो लेकिन छः साल भी कम से कम घर में तो यही कह रहा था कि तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के नाम पर ही अब दिल्ली में टिके हुए थे किसी और शहर में टिके हुए थे और कुछ किया नहीं बेहतर ये है कि आप ये साबित कर दें एक तो ये कि आप इस बीच में सेल्फ डिपेंडेंट तो थे ही कोई फिक्स नौकरी नहीं करते थे वो ठीक है क्योंकि आपने उसमें लिखा भी नहीं होगा कि नौकरी करते हैं आप कोई लिखा है फिर दिक्कत नहीं है अगर आप किसी भी जॉब में थे तो कोई समस्या नहीं है अगर पढ़ाई भी नहीं कर रहे थे जॉब में भी नहीं थे तो समस्या है तो इसका एक जस्टिफिकेशन तो ये हो सकता है कि आप कह देंगे सर मैं जॉब तो नहीं कर रहा था पर जॉब जैसा कुछ कर रहा था फ्रीलांस बेसिस पे ये काम करता था वो काम करता था इससे थोड़ी बहुत आय कर लेता था लेकिन वो स्थाई काम नहीं था इसलिए मैंने उसको मेंशन नहीं किया है सास में तैयारी कर रहा था ये भी कह सकते हैं कि सर कुछ प्रयोग करके देख रहा था जीवन को लेकर अगर कुछ ऐसे प्रयोग किए हैं तो उनका जिक्र कर दें कोई ऐसी आपकी हॉबी रही हो पैशन रहा हो जिसमें आपने दो साल गुजारे हों बहुत अच्छा रहेगा जैसे कोई अगर ये भी कहे कि मैंने ग्रेजुएशन की उसके बाद मेरे ऊपर एक्टिंग का भूत सवार हो गया था और मैं दो साल तक मुंबई में रहा धक्के खाता रहा कि मुझे काम मिल जाए सीरियल तक में काम मिल जाए लेकिन दो तीन साल धक्के खाने के बाद मैं समझ गया कि मेरे अंदर एक्टिंग का टैलेंट बेशक हो बाकी टैलेंट्स नहीं हैं जो काम दिलवा सकते हैं फिर मैं लौट के आ गया हताश हो गया और तब कुछ मित्रों से बात करके मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद ये कर सकता हूँ फिर मैं तैयारी में आया तो जो पाँच साल का गैप आपको दिख रहा है उसमें तीन साल तो मुंबई के धक्के हैं दो साल की तैयारी है क्योंकि पढ़ाई छूट गई थी नए सिरे से शुरू की तो एक से डेढ़ साल तो कम से कम लगता ही है तैयारी करने में और मैं फॉर्चुनेट हूँ कि पहले ही गंभीर कोशिश में मैं इंटरव्यू देने के लिए आ गया हूँ कोई दिक्कत नहीं पूरी माफ़ी मिल जाएगी बस ये लगे कि आप कुछ ऐसा कर रहे थे जो करने लायक था लेकिन अगर आप तीन चार पाँच छः सात आठ साल से तैयारी कर रहे हैं तो ये सुनने में इतना भद्दा लगता है कि आठ साल की तैयारी सात साल छः साल की तैयारी करके कोई अगर आ रहा है तो उनको लगता है कि नहीं ये उतना डिज़र्व नहीं करता है तो गैप की कुछ अपनी अपनी वजहें सोच के रखिए कुछ तो जरमिन होंगी ही थोड़ी बहुत मतलब जरमिन ना भी हो तो भी सोच लीजिए क्योंकि वहाँ बोलना तो पड़ेगा ही और हर सच तो नहीं बोला जा सकता कोशिश कीजिए जहाँ तक संभव है सच ही बोलिए जहाँ लगे सच घातक हो जाएगा वहाँ थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके अपनी बात कह दीजिए लेकिन एक व्याख्या बना के रख लीजिए अभी से पर्सनली बात करनी तो उनसे कर लीजिए अलग से कि मैंने ये व्याख्या सोची है ऐसे बताइएगा कि मेरी व्याख्या बताइए मुझे नहीं आना है ये कह गया कि मैंने ये तीन व्याख्याएं सोची हैं इनमें से कौन सी ठीक रहेगी मुझे केवल टिक का निशान लगाना है उतना आप उनसे लगवा लीजिएगा ये नहीं कि सर मेरी व्याख्या बता दीजिए या मेरी मुझे क्या बोलना चाहिए इस तरह से नहीं अब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपसे ये अपेक्षा है कि आप इतना तो कम से कम अपने लेवल पर करेंगे ही अगर आप सीनियर लेवल तक पढ़ चुके हैं पीजी वगैरह तक तो एक सवाल आपके लिए और एक्स्ट्रा बन जाएगा कि आप उसी क्षेत्र में क्यों नहीं चले गए वाई नॉट इन दैट फील्ड साथ में अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है तो यह सवाल जरूर बनेगा जैसे मान लीजिए अगर आप ह्यूमैनिटीज से हैं और आपने बी किया है तो खटाक से पूछेंगे भाई आप क्यों नहीं चलेगे टीचिंग में वो तो सबसे नोबल प्रोफेशन है बच्चों को पढ़ाएंगे देश का भविष्य बनाएंगे क्यों वहाँ नहीं चलेगा अगर आपने यू का एग्ज़ाम दिया है जिसे नेट कहते हैं आप तो वो सी बी का हो गया बेचारा जे आर एफ लिए फिर तो और गंभीर समस्या है सिर्फ नेट है तो जब आपने नेट का एग्ज़ाम दिया इसका मतलब ये कि एकेडमिक्स आपकी प्रेफरेंस में था तो वहाँ क्यों नहीं जाते यार अगर आपने बी टेक वगैरह कुछ किया हुआ है बी ई एम ई कुछ भी किया है तो भाई आप इंजीनियर क्यों नहीं बनते है? इतना सारा पैसा देश ने आपके ऊपर खर्च किया आपको इंजीनियर बनाने में डॉक्टर हैं तो ये सवाल बट नेचुरल है पूछा ही जाएगा कि आपको डॉक्टर बनाने में साढ़े पाँच साल तक देश की सरकार ने इतना पैसा खर्च किया सब्सिडी आपके ऊपर खर्च की आप डॉक्टर बन गए अब आप कह रहे हैं कि मैं तो आई एस बनूँगा ये जो वेस्टेज हुई आपके ऊपर इसे आप कैसे जस्टिफाई करेंगे तो बी टेक हों एम बी बी एस हो ऐसा कुछ भी अगर किया है तो एक एक्स्ट्रा सवाल दिमाग में लेके चलिए कि आप उस फील्ड में क्यों नहीं जा रहे अगर आप एकेडमिक्स में रहे हैं एम ए किया है एम फिल या पीएचडी में से कुछ भी किया है या कर रहे हैं तो भी यह सवाल बनता है कि इतना पैसा खर्च हुआ सरकार का आपके ऊपर क्यों नहीं आप एकेडमिक्स में जाते भाई क्यों नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं एल एल बी किया है तो भी ये सवाल बनेगा जवाब इससे मुश्किल नहीं मैं केवल हिंट दे रहा हूँ कि यह सवाल आएंगे आपके सामने और इनका एक उत्तर सबके लिए नहीं हो सकता है तो इसका उत्तर यूँ डिस्कस करने के बजाय मैं केवल हिंट दे के छोड़ रहा हूँ कि आप उत्तर सोच लें और चाहें तो डिस्कस कर लें कि इसका मेरा उत्तर ये होगा हर किसी का उत्तर अलग अलग होता है जैसे मैंने जब आई का इंटरव्यू दिया पहली बार तो मैं उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय से एम कर चुका था हाँ और एम खत्म होने वाला था उसके बाद पी करना ही था और उसके बाद जब इंटरव्यू दिया अगली बार तो पी शुरू हो चुका था आखिरी बार दिया तो पी पूरा हो चुका था तो अक्सर वो पूछते ही थे कि भाई आपने नेट किया जे किया पी एच डी परसों कर ही रहे हैं क्यों नहीं आप जाते टीचिंग की दुनिया में इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा इसका उत्तर जो मुझे समझ में आया मैंने ये कहा कि एक महिला मेंबर थी वो पूछ रही थी ये सवाल तो मैंने कहा मैडम मैंने पढ़ाया है दिल्ली विश्वविद्यालय में करीब सात आठ महीने और मैं ठीक पढ़ा लेता हूँ मुझे वहाँ कोई बहुत दिक्कत नहीं होती है वहाँ भी अच्छा लगता है मुझे लेकिन सवाल है कि अगर मेरे पास दो ऑप्शन हैं दो प्रेफ्रेंसेज हैं तो मैं ये तो चुन ही सकता हूँ कि इनमें से मैं ज़्यादा अच्छा किसको मानूँ मैं सिविल सेवाओं को ज़्यादा अच्छा मानता हूँ क्योंकि मेरा जो पर्सनैलिटी का कुल मिला के ट्रेट्स हैं वो ज़्यादा सूटेबल हैं सिविल सर्विसेज के लिए जैसे मैं लीडरशिप चाहता हूँ एक्डमिक्स में बहुत डायरेक्ट मौका उसका नहीं मिलता है फिर एकेडमिक्स में मैं ये कर सकता हूँ कि मैं अपने क्लासरूम में 20, 30, 40 विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से डेवलप करूँ उनको सिखाऊँ चीज़ें लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं डायरेक्ट रोल प्ले करूँ देश के विकास में सीधा रोल वो मुझे नज़र नहीं आता है वह ये है कि मैं उन बच्चों को डेवलप करूँ आगे चल कर वो देश के लिए कुछ अच्छा करें लेकिन सिविल सर्विसेज में मुझे सीधे ही ऑप्शन मिलता है कि मैं अच्छे स्तर पर अच्छे निर्णय लेने के स्तर पर जाकर खुद अपने फ़ैसलों से देश को या राज्य को या ज़िले की किस्मत को बदलो फिर मुझे ये भी शौक है कि मेरे पास डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी हो मैं कुछ कर सकूं। एकेडमिक्स में वो अथॉरिटी डायरेक्टली नहीं आती है वो आती है तो बहुत लेट आती है और बहुत सीमित क्षेत्र में आती है जबकि सिविल सर्विसेज में वाइड रेंज है वैरायटी बहुत ज़्यादा है तो मैं अपने नेचर के हिसाब से फ़ील करता हूँ कि मुझे वहाँ जाना चाहिए लेकिन अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं एकेडमिक्स में ही जाऊंगा और मैं वहाँ भी बहुत ख़राब परफॉर्म नहीं करूंगा वहाँ भी अच्छा परफॉर्म करूंगा सवाल सिर्फ़ इतना है कि अगर दो चॉइस हैं तो मैं क्यों ना उस चॉइस को चुनूं जो मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है ये नहीं कहना है कि मैं इस फील्ड में कमज़ोर हूँ मेरा संबंध नहीं लगता है नहीं वहाँ भी ठीक हूँ लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा मैं परफॉर्म कर सकता हूँ इस क्षेत्र में सिविल सेवाओं में इसलिए मेरा मन करता है कि मैं यहाँ पर एक कोशिश करके देखूँ इस तरह से मैंने केवल एक हिंट दिया आपको इस तरह से अपने कुछ उत्तर तैयार रखिए आपका जो भी आ, दो चीज़ों के बीच में फाइट है उसके बीच का कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने के लिए आंसर तैयार कर लीजिए अभी से ताकि आपको पता हो कि किस लाइन पे किस लेंथ पे आपको आंसर देना है और फिर अगर आपका उत्तर अच्छा है तो मान के चलिए कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं होगा फिर वो जनरली सहमति की मुद्रा में आके विषय को बदल देंगे बहुत होगा तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए कहेंगे कि हाँ इसी बात थोड़ा और समझा के बताइए और थोड़ा और समझा के बताने में कोई दिक्कत है नहीं आप बता ही सकते हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड के बाद जो अगला हिस्सा है आपके डीएफ का वो ये है कि क्या आपने कभी कोई नौकरी की है वर यू एवर एम्प्लॉयड अगर हाँ तो आपसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स मांगते हैं तो अगला हिस्सा आप मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स देखिए अगर आप पी कर रहे हैं रिसर्च कर रहे हैं तो छिपाइएगा है मत कुछ भी किया तो छिपाइए मत ये अच्छी बात है कि आपने कुछ एक्स्ट्रा किया हुआ है अगर आपने कोई भी नौकरी की है अब तो खैर फॉर्म में लिखा जा चुका है उसको छिपाने के भाव से मत जाइए उसमें इन्वॉल्व होने के भाव से जाइए किसी किसी केस में यह भी हो सकता है कि आपने मेंस के फॉर्म में डी में नहीं लिखा था लेकिन आपने मेंस देने के बाद कोई नौकरी ज्वाइन कर ली है सरकारी या प्राइवेट सबसे पहला सवाल आमतौर पर यही होता है कि आजकल आप क्या कर रहे हैं ये आपका परिचय देंगे जैसे ही वो आपको इंट्रोड्यूस करें आप उनको एंड में कह सकते हैं कि सर मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा मैं पिछले चार महीने से ये नौकरी कर रहा हूँ अच्छा रहेगा अगर आप कुछ ऐसा कर सके तो उन्हें बेरोजगार लोग पसंद नहीं है वो आई की नौकरी को बेरोज़गारी दूर करने का उपाय नहीं बनाना चाहते वो चाहते हैं कि इस नौकरी में सबसे शानदार लोग आए कर्मठ लोग आएँ सेल्फ डिपेंडेंट लोग आए जिन्होंने किसी क्षेत्र में काम करके खुद को प्रूव किया है वही लोग आए उन्हें अच्छा लगता है इसलिए अगर आप नौकरी करते रहे हैं ये नौकरी में सिलेक्टेड है और आपने उसमें जिक्र किया हुआ है कि सिलेक्शन हो चुका है तो सवाल पूछेंगे और देखिए सवाल जैसे हॉबी इसके बाद हम देखेंगे ना वो क्या चाहते हैं जैसे मान लीजिए ऐसे कई केसेज आते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ किसी नौकरी में एज्यूम करते हैं कि आप किसी स्टेट पीसीएस में सेलेक्ट हुए और हम मान लेते हैं कि आप अपने स्टेट में ट्रेड टैक्स या सेल्स टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर बन गए तो असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स अब तो वो जीएसटी हो गया तो एसी जीएसटी मान लीजिए आप अपने स्टेट में स्टेट कडर वाले एसी जीएसटी है सेंटर वाले नहीं सिलेक्शन हो गया है लेकिन अभी आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है और इसी बीच में आपका आई का इंटरव्यू है तब ऐसे कैंडिडेट के सामने क्या रहता है कि उसने ज्वाइन तो किया नहीं अब तक उसे डायरेक्ट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं मिली है तो कई बार वो इस मुद्रा में आ जाता है कि जैसे उससे पूछते हैं हाँ सर मेरा हो गया मैंने ज्वाइन नहीं किया लेकिन अभी ऐसा कोई बात नहीं कुछ पता तो होगा सर मैंने भी ज्वाइन ही नहीं किया है ये जो बचने वाला है ना इससे उनको बुरा लगता है मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कि जब आपकी नौकरी के बारे में बात हो तो बेसिकली जो दिखना चाहिए उसको बोलते हैं आंखों में चमक दिखनी चाहिए और ये आंखों में चमक वाला मामला आना चाहिए होबीस के मामले में भी। और आंखों में चमक का मतलब ये नहीं है कि कुछ आप चमकने वाला लगा के जाएंगे आंखों में मतलब उत्साह आपको ये लगे कि अब मेरा इलाका आ गया अब देखता उनसे बात करके जब आप बहुत कंफर्टेबल होते हैं ना इस एरिया में वैसे सवाल आते चमक आ जाती कि अब ठीक है ये मेरा मैदान है इस मैदान में तो देख लूंगा इनको ये भाव मन में आना चाहिए और पूछेंगे अच्छा आप जी में काम करते हैं ऐसे आप कहेंगे सर अभी ज्वाइन नहीं किया है बहुत ज्वाइनिंग आने वाली है और मैं बहुत उत्साहित हूँ ज्वाइनिंग को लेकर कहेंगे अच्छा क्या होता है जी एस टी आप दरा दिन बताइए जी एस टी क्या होता है आपकी नौकरी में क्या क्या चुनौतियाँ है होती हैं कि सर मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया लेकिन मैं कम से कम दस ऑफिसर से मिल चुका हूँ यही समझने के लिए कि क्या क्या चैलेंजेस हैं और उनसे बात करके मुझे समझ में आया कि ये ये तीन चार चैलेंजेज़ हैं लेकिन मुझे भरोसा है कि मैं इनको मैनेज कर लूँगा वो टेक्निकल सवाल पूछेंगे आपसे आप टेक्निकल सवालों के लिए जनरली तैयार होके जाइए और इसके लिए मेहनत कितनी करनी है एक से दो दिन मैक्सिमम उससे ऊपर नहीं कुछ बेसिक डिटेल्स डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट क्या, क्या क्या काम करता है वो जैसे आपसे पूछें यही कि यार ये बताओ कि अब उत्तर प्रदेश में जीएसटी में एसी बन के जा रहे हैं क्या टारगेट्स होते हैं इस सर्विस में आप कहें सर यही वो डिपार्टमेंट है जो उत्तर प्रदेश की सरकार के राजस्व का सबसे प्रमुख स्रोत है क्योंकि राज्य की सरकार के पास न तो इनकम टैक्स है न और बड़े टैक्सेस हैं मुख्य टैक्स केवल और केवल जीएसटी है जो पहले सेल्स टैक्स हुआ करता था वैट हुआ करता था पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश के इस डिपार्टमेंट ने इतना इतना रेवेन्यू इकट्ठा किया है जबकि उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने के लिए इतने रेवेन्यू की ज़रूरत है सारी विकास योजनाएं इसी बात पर टिकी हैं कि ये डिपार्टमेंट कैसे परफॉर्म करता है तो मुझे नहीं पता कि सब लोग कैसा परफॉर्म करते हैं लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं कि मैं जिस क्षेत्र में रहूंगा वहाँ ठीक से परफॉर्म करूंगा और जितना रेवेन्यू सरकार को मिलना चाहिए उतना रेवेन्यू वहाँ जनरेट करूँगा अपनी भूमिका निभाऊंगा ये तेवर चाहिए उत्साह चाहिए पलायन वाला भाव नहीं नहीं सर नहीं सर तो जॉन ने किया नहीं सर वो कह रहे सर कुछ तो पता हो नहीं सर बस जीएसटी टी फुल फॉर्म पता है सर उतना पूछ लीजिए तेवर इंटरव्यू के नंबर तेवर पे मिलते हैं नॉलेज पे नहीं मिलते हैं आपका उत्साह का स्तर कितना है उस पर मिलेंगे तो जो भी आपकी नौकरी अब तक रही है उसको देख लीजिए ज्वाइन किया उसके बाद तो पूछेंगे पूछेंगे अगर आप कहीं पटवारी एस हैं तो फिर राजस्व के सारे के सारे आस्पेक्ट पूछ सकते हैं क्योंकि वो सब उस लेवल से शुरू कर चुके हैं उनको ठीक ठाक अनुभव होता है अगर नौकरी मिली है ज्वाइन नहीं की है तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो और आंखों में चमक के साथ हो अगर संभव है तो जैसे ही बायोडाटा पढ़ेंगे आपका उसके बाद तुरंत कहिए कि सर एक बात और जोड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ मेंस के बाद मैंने एक नौकरी ज्वाइन कर ली है आजकल मैं ये नौकरी कर रहा हूँ या कर रही हूँ प्राइवेट नौकरी कोई बता दीजिए अगर आपने इस बीच में कोई काम अगर किया है तो उसका जिक्र कर दीजिए फिलान्स किया उसका भी जिक्र कर दीजिए कि सर मैं पिछले तीन महीने से एक वेबसाइट के साथ काम कर रहा हूँ मैं उनके लिए आर्टिकल्स लिखता हूँ उसके बदले मुझे मंथली सैलरी मिलती है या कुछ फिक्स अमाउंट मिल जाता है इमोडमेंट्स मिल जाते हैं फिर बात वहीं से शुरू होगी और इंटरव्यू को अपनी दिशा में डायरेक्ट करने का सबसे आसान तरीका होता है कि जैसे ही आपका समरी डेफ की समरी कोई पढ़े चेयरपर्सन पढ़े वहीं उनको रोककर अंत में खत्म होने के बाद एक दो लाइनें जोड़ दीजिए तय तो मान के चलिए कि सवाल वहीं से शुरू होगा आपने सीधे सीधे उनको डायरेक्शन दी है कि यहाँ से पूछो ये मेरा फिक्स एरिया है जो मैं ठीक से पढ़ के आया हूँ कि सर ये लाइन देखिए इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आपका एरिया है उसी से उन्होंने सवाल पूछा तो एम्प्लॉयमेंट पर सवाल जनरली आते हैं थोड़ा सा टेक्निकल नेचर जैसे रेलवे वालों से रेलवे की जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं खूब पूछे जाते हैं ऐसे तो कई केसेस हमने देखे पहले और आप जिस विभाग में नौकरी करते हैं उस विभाग का योगदान क्या है देश में क्या योगदान है राज्य में क्या योगदान है कुछ अगर करंट डेवलपमेंट चल रही है जैसे उसके प्राइवेटाइजेशन को लेके मामला चल रहा हो मान लीजिए जैसे रेलवे के नौकरी वालों से अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि रेलवे को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए कुछ हिस्सों को हमने कर दिया है करने से फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ या मेजर रोल और क्या हो सकता है फ्यूचर पॉसिबिलिटीज आपकी सर्विस में क्या हो सकती हैं जैसे अगर आप पोस्टल डिपार्टमेंट में कभी काम कर चुके होंगे तो वो पूछेंगे कि ईमेल के ज़माने में व्हाट्सएप के ज़माने में चिट्ठी पत्री कौन भेजता है टेलीग्राम ऑफिशियली बंद कर दिया गया है तो उसकी वैल्यू बची नहीं है टेलीग्राम ऐप की बात नहीं कर रहा हूँ जो टेलीग्राम पहले आप जानते हैं टेलीग्राम होता था पहले एक वो सूचना तुरंत भेजने के लिए एक आध दिन के अंतराल पर कुछ घंटों के अंतराल पर टेलीग्राम होता था पहले स्कूल के बच्चों को टेलीग्राम लिखने की विधि सिखाई जाती थी हाउ टू राइट टेलीग्राम क्योंकि उसमें पैसे लगते थे एक लेटर के हिसाब से स्मॉलेस्ट पॉसिबल तरीके से टेलीग्राम लिखना जैसे एसएमएस जब पैसे वाला हुआ करता था तो लोग बहुत छोटा एसएमएस बनाते थे कि किसी तरह से एक महीने पड़ जाए एक सौ साठ के अंदर अंदर आ जाए टेलीग्राम में तो हर करेक्टर के हिसाब से पैसे होते थे तो दस कैरेक्टर पंद्रह करेक्टर में ऐसे जैसे क्या आता था संदीप किसी का नाम है में से आपका है और राजीव राजीव भी है संजीव कोई नहीं है चले ठीक है मारी संजीव मर गया <laughs> है ना हम <laughs> किसी को क्यों मारे जहाँ पर बैठे वो सब तो हमेशा जीवित रहे तो मान लीजिए संदीप नाम का बच्चा उसकी डेथ हो गई तो क्या मैसेज आएगा संदीप डाइड कम ये आता था मैसेज टेलीग्राम से क्योंकि वो तो डाइड है ज़्यादा लंबा हुआ तो ये भी मर जाएगा भेजने वाला भी इतने पैसे लग जाएंगे तो इसलिए वो छोटे मैसेज से काम चलता था अब पोस्टल डिपार्टमेंट क्या करे इतने सारे डाक खाने खोल के बैठा हुआ है काम ही नहीं बचा उसके पास तो और जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन होता जाएगा गांवों में जो कि जियो जियो की क्रांति के बाद तो हो ही गया ठीक से अब कहाँ लोग चाहते हैं कि चिट्ठियाँ भेजें पोस्ट कार्ड भेजें या जो एनवलअप्स हुआ करते थे या एक इनलैंड हुआ करता था ब्लू कलर का जो फोल्ड करते थे भेजें कौन भेजता है आजकल सब व्हाट्सएप पे चल रहा है या ईमेल पे चल रहा है अब पोस्टल डिपार्टमेंट के सामने अपने रिलीवेंस बचाने का संकट आ गया तो अगर आप पोस्टल डिपार्टमेंट से तो तय मान के चली के सवाल पूछेंगे पूछेंगे एक काम ले दे के बचाओ था मनी ऑर्डर वो पेटीएम ने ख़त्म कर दिया अब पे और जितने पेमेंट बैंक आ गए हैं उसके बाद कौन पूछेगा मनी ऑर्डर को सब खत्म हो जाएगा जब तक इलिट्रेसी थोड़ी सी इन चीज़ों को लेकर है तब तक महत्व है दो चार पाँच साल होते होते सब लोग समझ जाएंगे इसकी ज़रूरत नहीं है तो पेटीएम से ही पेमेंट्स होंगे तो फिर आपको बताना है कि आपका डिपार्टमेंट क्या क्या कर सकता है जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट लोग बड़ी अच्छी बातें बताते हैं कि सर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है हर शहर के बीचों बीच हमारी बिल्डिंग्स हैं हम उन बिल्डिंग्स को रिनोवेट करके कुछ रेवेन्यू कमा सकते हैं फिर सरकार की कई ऐसी योजनाएं जो सिर्फ़ बैंक पूरा नहीं कर पाते हैं बाकी ऑफिस नहीं कर पाते हैं हम सरकार की उनकी योजनाओं को पूरा करने में सहायक हो सकते हैं सब्सिडीज़ को जैसे ट्रांसफ़र करना है जो अभी आधार लिंक नहीं हो पा रहा मामला उसमें हेल्प कर सकते हैं कल को जनगणना होगी उसमें हमारी भूमिका हो सकती है ऐसे हज़ारों फैक्टर्स वो गिनवाते हैं कि यहाँ यहाँ हमारा रोल हो सकता है तो आपकी सर्विस के क्या क्या और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हैं एक उस एक लेवल पर सोच लीजिए और जो लेटेस्ट डिबेट्स चल रही हैं वो देख लीजिए अगर आपकी संस्था के साथ कोई डिबेट है जैसे अगर आप किसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रहे हैं किसी में भी टैक्सेशन में रहे छोटे सवाल पूछते हैं कि कितना कमा लेते थे आप वहाँ पर बड़े बेशर्म तरीके से सवाल पूछते कई बार जरा भी नहीं छोड़ते हैं तो वहां आपके अभिनय कौशल की परीक्षा बेसिकली होती है आप कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं कि आप तो जानते ही नहीं सब बात हालांकि इतना नाटक करना ठीक नहीं होता जैसे मान लीजिए आप किसी टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हैं वो आपसे पूछेंगे कि यार ये बताओ इतना बदनाम क्यों आपका डिपार्टमेंट हर आदमी देश का जानता है कि पैसा खाते हैं आपके डिपार्टमेंट के लोग आपकी क्या राय है पहले पूछते हैं आपकी क्या राय है तो कई लोग वहाँ पर बन जाते एकदम तो महात्मा गांधी वाले मूड में आए थे कि सर मैं तो सुना भी नहीं कभी पता नहीं आप ही कह रहे हैं ऐसा तो कभी नहीं होता कह रहे हैं यार तुम नायब तहसीलदार हो तहसीलदार हो एस हो ये तो ट्रांसफ़र के लिए लाखों रुपए दिए जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वहाँ पैसा मिलेगा या आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं टैक्सेशन डिपार्टमेंट में तो पूरी दुनिया जानती है कि टैक्सेशन में खूब रिश्वत चलती है आपके ऑफिस में कितने लोग ऐसे हैं <laughs> अब आपको लग रहा है कि अगला सवाल बड़ा घातक पूछ सकते हैं अगर मैंने हाँ बोल दिया तो तो आप ऐसा अभिनय करने लगते हैं कि सर हमारे पास मैंने कभी सुना भी नहीं नहीं सब ठीक लोग हैं यार नहीं हम मानते हैं कि आप ऐसा नहीं करते होंगे आपको देख के ही लग रहा है कि आप बहुत ईमानदार आदमी हैं लेकिन आपके आसपास तो समाज होगा यह समाज भी नहीं रहता आपके आसपास और कई लोग ठान देते हैं कि चाहे जो हो जाए क्या नहीं सर मैं सुना भी नहीं कभी आप कहीं आपने सुना भी नहीं कि आपका विभाग करप्ट है नहीं सर मैंने सुना भी नहीं ऐसा कभी नहीं सुना सब बड़ा सा चल रहा है तो इससे क्या होता है कि आप खुश हो सकते हैं कि आखिरकार ये मुझे मजबूर कर नहीं पाए पर उनके मन में मैसेज जाता है कि ये इतना करप्ट बनेगा सरेआम झूठ बोल रहा है सफेद झूठ बोल रहा है इस पर क्या भरोसा करें ये भी मानने को तैयार नहीं है कि उसे डिपार्टमेंट की छवि ऐसी है इसको आप कैसे खारिज कर सकते हैं इसलिए अगर आप टैक्सेशन जैसे किसी डिपार्टमेंट से हैं और वो पूछेंगे कि यार ये बताओ कि आपके यहाँ तो बहुत करप्शन होता होगा क्या स्थिति है तो झूठ नहीं बोलिए बोलिए कि सर टैक्सेशन डिपार्टमेंट्स के साथ ये संकट हमेशा रहता है कि उनकी छवि करप्ट डिपार्टमेंट की बनती है हमारे डिपार्टमेंट में भी कई ऐसे लोग हैं जो माना जाता है कि करप्ट हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो माना जाता है कि ईमानदार हैं दोनों तरह के लोग हैं और दूसरी बात यह कि बाकी डिपार्टमेंट्स में भी लगभग वही अनुपात है बस ये है कि उन डिपार्टमेंट्स की छवि उस तरह से बनती नहीं है वरना सरकारी नौकरियों में अधिकांश डिपार्टमेंट्स में बेईमान लोग जहां हैं वो बेईमानी का स्कोप नहीं छोड़ते हैं अंतर यह है कि किसी डिपार्टमेंट में आसानी से स्कोप मिल जाता है कहीं आसानी से स्कोप नहीं मिल पाता है लेकिन ईमानदार लोग हर डिपार्टमेंट में हैं उनकी संख्या कम ज़्यादा हो सकती है तो हमारे यहाँ भी दोनों तरह के लोग है। पूछेंगे हैं पूछेंगे आपके यहाँ कितने लोग बेईमान है लगभग कितने लोग ऑफिस में हैं तो सर दस लोग हैं अनुमान है मेरा कि उनमें से कम से कम तीन या चार लोग हैं जो काफ़ी करप्ट हैं उनके बारे में ऐसा सुनने को मिलता रहता है मैंने पूछा नहीं कभी उनसे लेकिन डिपार्टमेंट के स्टाफ में जनरल परसेप्शन उनको लेकर ये है कि वो करप्ट हैं तो आप उनमें आते हैं सर मैं नहीं आता हूँ उनमें आना चाहते हैं नहीं सर नहीं आना चाहता हूँ मेरी रुचि नहीं है मुझे लगता है कि सैलरी पर्याप्त है और मैं चैन की नींद सो अच्छा काम करूं मेरी प्रेफरेंस ये है तो आपने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया सर अब तक मैंने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है केवल सुनी हुई बातें हैं और सीधे मैं पूछने से बचता हूं क्योंकि वो मुझसे वरिष्ठ लोग हैं अगर मैं सीधे उनसे पूछूंगा तो वो शायद बुरा मान जाएंगे और बिना प्रमाणों के किसी पर चरित्र का हनन करना ठीक भी नहीं लगता है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे सीनियर्स भी इस बात को जानते हैं कि वो ऐसे हैं तो मेरा अनुमान है कि एक्शन उनकी तरफ से होगा तो बेहतर होगा मुझसे अब तक किसी सीनियर ने राय मांगी नहीं है कभी वो मुझसे राय मांगेंगे तो मैं यही बताऊंगा कि पब्लिक परसेप्शन ऐसा है कि हमारे विभाग में ये दो तीन लोग करप्ट हैं अगर वो कहते कि यार अब तक तूने तो बताया नहीं किसी को तुम्हारे तो जिम्मेदार नहीं बनती थी अगर ऐसा तो माफी मांग लीजिए कि सर मेरी समझ ये थी कि मुझे अपने सीनियर्स पे आक्षेप करने का अधिकार नहीं है जब तक मेरे पास ठोस आधार ना हो अगर आपको लगता है कि मुझे इससे आगे कुछ करना चाहिए था तो माफी चाहता हूं मैं इस पर थोड़ा और ध्यान दूंगा और अगर जरूरी होगा तो मैं आगे कार्रवाई करूँगा अब तक मैंने नहीं की है पूरा जनविन आंसर है जो पांच लोग आपसे पूछ रहे हैं उन्होंने भी नहीं की थी आपने भी नहीं की है इसलिए उनके पास कोई वजह नहीं है कि आपके नंबर काटे बस अच्छी बात है कि आपने सफ़ेद झूठ नहीं बोला नहीं सर हमारे तो नहीं एकदम नहीं सब ठीक चलता है ये सफ़ेद झूठ है और सफ़ेद झूठ सुनते हुए कई बार जो मजबूर होता है उसको पता फंसा नहीं सकता आपको लेकिन अंदर ही अंदर चुभता है उसको कितना झूठ कैसे बोल रहा है व्यक्ति और अल्टीमेटली क्या होगा उसे चुभ गया बहुत ज़्यादा उसे कहीं व्याख्या तो करने नहीं कहते नंबर कम क्यों दिए आपको कहीं व्याख्या नहीं करनी होती है उनके डिस्क्रिशन है और नंबर जब बहुत कम आते हैं ऐसी वजहों से आते हैं जब उनको साफ साफ दिख रहा है कि ये व्यक्ति मक्कार टाइप का है सफ़ेद झूठ बोलता है तो ऐसा मत कीजिएगा अपने प्रोफेशन को लेकर अगर आपके डिपार्टमेंट में करप्शन वगैरह हैं कुछ आरोप लगते हैं मैं एक शब्द लिख देता हूँ आरोप आपके डिपार्टमेंट पर जो लगते हैं उन आरोपों को पूरी तरह से खारिज मत कीजिए अपने बारे में कर दीजिए बेशक लेकिन डिपार्टमेंट के बारे में मत कीजिए अगर आप पुलिस विभाग से हैं और कोई पूछे कि यार पुलिस में सुने आजकल ये खूब करप्शन चल रहा है ट्रक खड़ा होता है उसके पैसे ले लेते हो दुकानें चल रही है सड़कों पर रेडियां लगी हैं उनसे पैसा आता है हर चीज़ से पैसा आता है क्या सिस्टम है कैसे कमाते हो तो वही जवाब देना है कि सर ये बात सही है कि पुलिस विभाग में करप्शन है मैं करप्ट नहीं हूं मैं इसको लेकर एकदम श्योर हूं मुझे ये एग्जैक्टली exactly नहीं पता कि किस किस तरह से करप्शन होता है लेकिन हाँ मैंने सुना है कि जैसे कोई केस हुआ अभियुक्त को छोड़ देने के नाम पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कई बार पैसे लेते हैं और हमारे ऑफिस में हमारे पुलिस स्टेशन में या हमारे सर्कल में भी ऐसे कुछ पुलिस अधिकारी हैं जिनके बारे में ऐसा डाउट किया जाता है तो मैं इतना ध्यान रखता हूँ कि ऐसे लोगों को कोई ऐसा केस देने से बचूं जिसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट होने की संभावना हो तो मैं ऐसे केसेस उन लोगों को देता हूं जो ईमानदार माने जाते हैं और जो करप्ट हैं उनको ऐसे केसेस देता हूं जिसमें करप्शन का स्कोप ज़्यादा ना बनता हो तो यही एक तरीका है बैलेंसिंग का और क्योंकि प्रमाण हमारे पास नहीं होते हैं हर चीज़ के प्रमाण हो तो हम एक्शन ज़रूर लें लेकिन जब तक तो प्रमाण नहीं है तो हमें केवल सुनकर अनुमान करके चरित्र का अनुमान करके फैसले करने होते हैं उसी तरीके से हम लोग मैनेज कर लेते हैं स्पष्ट है एकदम नौकरी को लेकर किस तरह के सवाल होंगे इसके बाद है वो इलाका जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर देता है जिसको कहते हैं हॉबीज इंटरेस्ट लीडरशिप आपने कुछ की हो सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन किया हो वो सारा का सारा कॉलम जो सिक्सटीथ कॉलम है हॉबीज इंटरेस्ट और अगर आपने कोई पोजीशंस होल्ड की हैं स्कूल में कॉलेज में या कहीं और नौकरी करते हुए वो इसमें आ सकता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कुछ मेडल्स या प्राइजेस आपको मिले ही होंगे मेडल्स प्राइजेस के मामले में समाजवाद रहता है कि हर बच्चे को दो-चार तो मिल जाते हैं तो ताकि सबके पास कुछ ऐसा हो कि वो दिखा सके कि मैंने भी जीता है ऐसे ही एन वगैरह कुछ किया हो एन किया हो तो वो सब है इसमें आपने कितना लिखा है इससे तय होगा कि आपकी रेंज क्या बनेगी कुछ लोग तो पूरा कॉलम खाली छोड़ के आ जाते हैं कुछ एक आध भर के सेफ गेम खेलते हैं कुछ ज़्यादा भरते हैं कि इंटरव्यू यहीं से चले हमारा और ये पूरी समरी शीट में एज इट इज़ चला जाता है समरी शीट आपने देखी है उसमें दो चीज़ें एज इट इज़ जाती हैं एक आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड किया वाला हिस्सा एज इट इज है कि इस पर सवाल होंगे के चलते हैं। तो हॉबीज में क्या आपसे पूछेंगे जैसे हम एग्जाम्पल के लिए एक या दो हॉबीज दे देते हैं समझने के लिए किस लेवल तक के सवाल पूछेंगे तो कोई दो हॉबीज बता दीजिए जो आप लोगों ने ज्यादा लिखी हो घूमर नृत्य हाँ आपने कौन सा आप पोइट्री योगा क्रिकेट डायरी राइटिंग आपने क्या कहा यही कहा था डायरी ही एक दो मान लेते चलिए एक मान लेते हैं डायरी राइटिंग मान लेते हैं एक डांसिंग मान लेते हैं और एक पोएट्री तो डायरी के साथ ही कर लेते हैं सर पोइट्री राइटिंग डायरी राइटिंग चलिए एक योगा हो गया हम हॉबीज़ पे अलग से ही बात कर लेंगे अभी केवल एक सिंपल के तौर पर कि आइडिया हो जाए कैसे काम करना है जो प्रीमाइस है जो आधारभूत वाक्य है वो ये है कि अपनी निगाह से मत देखिए उनकी निगाह से देखिए अब एक पैंसठ साल का व्यक्ति जो इनमें से किसी भी हॉबी का एक्सपर्ट नहीं है लेकिन उसको तीस चालीस साल का वैरायटी वाला एक्सपीरियंस है उसकी निगाह में किस तरह के सवाल बनेंगे अब हमारे सामने ये पॉइंट आ जाएगा जैसे डांसिंग से शुरू करते हैं आपने हॉबी लिखी डांस करना या कोई स्पेसिफिक डांस जैसे उन्होंने घूमर लिख दिया कोई डिस्को भी लिख सकता है कोई पॉप कुछ भी लिख सकते हैं कोई भी डांस लिख सकते हैं अब पैंसठ साल के आदमी को लेकर क्या लगता है उसको डांस की समझ ज़्यादा होगी या कम होगी जनरल परसेप्शन क्या है आप लोगों का अगर आपने शादियों में देखा हो पैंसठ साल के लोग कैसे डांस करते हैं तो डांस के नाम पर झंझुना बजाने लग, लग जाते हैं कई बार कभी पतंग उड़ाने लग जाते हैं तो उनको बहुत आइडिया तो नहीं होता है वो जिस उम्र में आप लोग डांस कर रहे हैं उस उम्र में वो स्ट्रगल कर रहे थे इसीलिए आप डांस कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल कर लिया था तो बहुत एक्सपर्ट उनको आइडिया नहीं होता है डांस को लेकर क्या सवाल पूछेंगे वो मुख्य रूप से जिज्ञासा से भर के सवाल ज़्यादा पूछेंगे और इंटरव्यू बोर्ड के कई मेंबर्स क्या होता है कि इसी बहाने उनको पैसा तो मिलता ही है साथ में वो नॉलेज भी गेन कर लेते हैं वो सवाल इस भाव से पूछते हैं कि इसी बहाने कुछ पता चल जाए मुझे भी ये उनका सवाल होता है अब डांस के बारे में उनको ये पता है कि एक क्लासिकल डांसिंग की पूरी रेंज है आपने घूमर लिखा या क्या लिखा उनको इससे कोई मतलब नहीं घूमर पर तो सवाल पूछ ही देंगे पद्मावती से जोड़ भी देंगे कि पद्मावती ने जो घूमर किया उसमें क्या खास बात है तो तुम्हारे बारे में क्या खास बात है कुछ हो जाएगा हल्का फुल्का दूसरा एक फोक डांस की रेंज है पूरी की पूरी और तीसरा एक डांस होता है जो सामान्य डांस होता है नॉर्मल डांस कह लीजिए जो शादी ब्याह में और पार्टियों में किया जाता है पर वो परफॉर्मेंस जिन्होंने उसके लिए ट्रेनिंग नहीं ली है वो वहीं सीख रहे होते हैं साथ साथ सीखते भी है परफॉर्म भी करते हैं साथ साथ एक और डांस का साइड है <laughs> जिसमें नागिन डांस पतंग डांस वो सारे के सारे डांस टॉवल डांस वो सारे उसमें शामिल हैं अब क्लासिकल में क्या होगा कि उनको दो तीन चार डांस के नाम बताओगे वो अपनी नॉलेज दिखाने के लिए आपसे पूछ लेंगे कि यार ये बताओ कि भरतनाट्यम में क्या खास बात है और कचीपुड़ी इससे कैसे अलग है मैं ये एज्यूम करता हूं कि उनको एग्जैक्टली exactly अंतर नहीं पता होता है इस चीज का उनको नाम पता होता है और जब वो सवाल पूछे जिसका उत्तर एग्जेक्टली exactly उनको ना पता हो तो आप कुछ भी जवाब देंगे तो वो हाहा हा ही करेंगे क्योंकि विरोध करने के लिए पर्याप्त जानकारी है नहीं उनके पास भी पर ऐसे में ज्यादा अच्छा क्या कि आपके पास जानकारी होनी चाहिए जैसे डांस हो भी है तो भारत के क्लासिकल आठ दस जो फेमस डांसेस हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए कौन सा पुरुष करते हैं कौन सा महिलाएं करते हैं कौन से में कौन सी मुद्रा होती है किस में ये मुद्रा होती है क्या कितनी बातें हैं दो दो तीन तीन बातें हर एक डांस के साथ एक दो अच्छे डांसर्स का नाम देख लीजिए यूट्यूब पर उनका दो दो मिनट का वीडियो देख लीजिए किस तरह से डांस करते हैं जैसे पूछेंगे भैया आपने क्या सोनल मान सिंह को नृत्य करते हुए देखा है आप कहें कि सर मैं बहुत दिनों से चाह रही हूँ कि लाइव देख पाऊँ लेकिन मुझे अब तो मौका नहीं मिला पर मैंने उनके वीडियोज़ देखे हैं कहाँ देखे तो यूट्यूब पर वीडियोज़ देखे हैं अगर आपने एक भी वीडियो देखा तो आप बड़े कन्विक्शन के साथ ये कह सकते हैं कि वीडियोज़ हैं अच्छा कौन सा डांस करती हैं तो सर वो ये वाला डांस करती हैं उन्होंने इन दो डांसेस को फ्यूज़न करके एक नई शायरी बना ली है हो गया और क्या उनको चाहिए आपने फोक डांस में लिखा मान लीजिए राजस्थान का डांस लिखा घूमर अब अगर आप सिर्फ घूमर पे ही फोकस दें तो ये चिंता की बात है आप घूमर करते हैं इसमें निहित है कि आपको लोक नृत्य पसंद है उसमें से एक क्योंकि आप संयोग से उस इलाके के हैं तो आप कर भी लेते हैं इसमें अंडरस्टूड है कि वो आपसे चाहेंगे कि भाई ये बताओ कि राजस्थान में और कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं घूमर क्यों किया जाता है घूमर में क्या खास बात है उसके पीछे की थीम क्या है किस मौके पे किया जाता है ये सब सामान्य बात है लेकिन जब वो इससे आगे निकलेंगे तो सास में चाहेंगे कि कुछ और राज्यों के फोक डांसेस के बारे में आपको पता हो पंजाब में है भंगड़ा है गिद्दा है किस मौके पे होगा उसमें क्या खास बात है इसके स्टाइल में उसके स्टाइल से क्या अंतर है गुजरात में डांडिया जो होता है डांडिया में जो कलेक्टिविटी का लेवल है घूमर में जो कलेक्टिविटी का लेवल उसमें क्या अंतर है घूमर सिर्फ महिलाएं करती हैं इसके पीछे क्या राजस्थान के समाज की प्रकृति समझ में आती है पंजाब में जब हम गिद्धा केवल महिलाओं को करते हुए देखते हैं भंगड़ा पुरुष करते हैं इससे क्या पता लगता है डांडिया में पुरुष महिलाएं साथ साथ डांस करते हैं इससे गुजरात के समाज के बारे में क्या पता लगता है ऐसे इस तरह के कुछ सवाल और साथ में नॉर्मल डांस और उसके बाद एक अनुमान जो जनरल अनुमान है वो यही आपसे कहेंगे कि या तो कहेंगे कि क्या भाई परफॉर्म करके दिखा सकते हैं करवा भी सकते हैं परफॉर्म बड़ी बात नहीं है आई के इंटरव्यू में कुछ भी हो सकता है जनरली डांस परफॉर्म नहीं करवाते हैं एक आ स्टेप पूछ सकते हैं कंफर्म करने के लिए खाली लिखा है कि आता भी है एक स्टेप पूछ सकते हैं कि यार घूमर में जो घूमने वाला स्टेप है सबसे महत्वपूर्ण है ना एक बार ज़रा उठ के करके खाओ ताकि हमें भरोसा हो कि आपको सच में आता है तो अगर आपसे ऐसा कहेंगे तो आप कर देंगे हमारा कर देंगे उनको और क्या कर देना है मजबूरी में तो क्या क्या नहीं करना पड़ता है किस किस को बाप बनाना पड़ता है वो तो है ही बाप की उम्र के लोग है ना तो कर देना है टेंशन नहीं लेनी है अगर आपने लिखा मैं गीत गाता हूं और कहीं गाओ भाई सुना दो उनको उनका संकट है ना कि वो झेल पाएंगे नहीं झेल पाएंगे <laughs> आपका क्या संकट है सुना दीजिए अपना गीत क्या परेशानी है तो कभी कभी वो परफॉर्म करने के लिए आपसे कह देंगे और कुछ रोचक सा सवाल जैसे कहेंगे अच्छा ये बताओ कि मैं अपने बच्चों को <laughs> घूम सिखाना चाहता हूं आसान तरीका बताओ तीन स्टेप में कैसे सिखाऊं एक दो स्टेप्स आसान आसान बताओ जो मैं सिखा सकूं तो आपने बता दिया किस तो तो तरह सिखा सकते हैं या ये कि डांस करने के क्या पांच फायदे उनको पांच की संख्या से बहुत प्यार है हर चीज़ें पांच 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 करके पूछते हैं डांस करने के क्या पांच फ़ायदे हैं आपने बताया कि डांस करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहता है मन प्रफुल्लित रहता है और 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 मजे की बात है कि उनको भी दो क्या याद नहीं आ रहा है लेकिन वो चेहरा कैसे बनाएंगे और बताओ पता उनको भी नहीं है और बताओ और बताओ आप सो आ, आपको सदमा हो गया कि बताओ पाँच भी नहीं बता पा रहा हूँ मैं तो पता उनको भी नहीं है पाँच पर स्थिति है कि आप कह नहीं सकते सर आप ही बता दो ना स्थिति ऐसी है कि अभी कह नहीं सकते उनसे लेकिन मन ही मन में वो समझ रहे हैं कि पता तो मुझे भी नहीं है लेकिन अभी मौका है कि मैं इस बच्चे को परेशान कर सकता हूँ दो तीन चार पाँच फ़ायदे अपनी हॉबी के सोच के जाइएगा और एक आध ऐसा जिसमें हंसी आ जाए उनको हंसी ध्यान रखना है किस पर आनी चाहिए है ना <laughs> बात पे आए आप पर ना आए बस ये ध्यान रखिएगा हंसी आए तो हंसा है तो समझिए कि दस दिसंबर बढ़ने शुरू हो गए वो हर बार दस दिसंबर बढ़ जाएंगे हंसाने पर अच्छे से हंसाएंगे तो फिर एक सामान्य उनका प्रश्न है कि भाई आपकी हॉबी का सिविल सेवाओं में क्या फ़ायदा मिलेगा कलेक्टर साहब डांस करते हैं इससे क्या फ़ायदा होगा ज़िले को अजीब सा लगता है कलेक्टर साहब डांस करते हुए नहीं सूट करता है सोचने में अच्छा नहीं लगता है लेकिन आपको पांच फ़ायदे बताने हैं कुकिंग तक मैं पूछे थे कुकिंग का प्रशासन में क्या फ़ायदा होगा तो डरना नहीं है हर चीज़ का फायदा है जैसा कोई सर डांस में सबसे महत्वपूर्ण है एनर्जी और बैलेंस जिस कलेक्टर में एनर्जी है और जो चीज़ों को बैलेंस कर सकता है वही ज़िले का विकास कर सकता है हो गया सुपर हिट हो गया एकदम कुकिंग का प्रशासन से क्या सर कुकिंग का मतलब है कि किन चीज़ों को डालना है कब डालना है कितनी देर के लिए उनको पकाना है कैसी आंच पे पकाना है उन सब फैक्टर्स को ठीक तरीके से मैनेज करके अंत में स्वाद आ जाना चाहिए यही डेवलपमेंट का फार्मूला है कौन से फैक्टर्स को कब यूज़ करना है कितनी मात्रा में यूज़ करना है उनका आपस में क्या कॉम्बिनेशन बनेगा और कुल मिला डेवलपमेंट हो जानी चाहिए तो कुकिंग तो डेवलपमेंट का आधार है कुकिंग को कोई ठीक से समझेगा तो डेवलपमेंट के प्रोसेस को ठीक से समझ पाएगा ऐसे ऐसे कुछ उत्तर गढ़ के रखिए आपकी जो भी हॉबी है हर एक पे उत्तर बन जाएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्रिकेट खेलते हैं तो टीम स्पिरिट कोई भी काम बिना टीम के होगा नहीं और क्रिकेट हमें टीम भावना से खेलना सिखाता है बैलेंस सिखाता है क्रिकेट अकेला खेल है जो सिखाता है कि आप अच्छे बैट्समैन नहीं हो तो बॉलर बन जाओ बॉलर नहीं हो विकेट कीपर बन जाओ वो भी नहीं बन सकते फील्डर बन जाओ वो सिखाता है कि प्रशासन में ज़रूरी नहीं है कि आप हर काम अच्छा कर पाओगे आप चुन लीजिए क्या काम अच्छा कर सकते हैं और उसी में एक्सीलेंट हो जाइए महेंद्र सिंह धोनी बन जाइए विकेट कीपर की बन कैप्टन बन जाइए तो हर खेल में हर हॉबी में इस तरह के कुछ पॉइंट्स निकलेंगे तो इस तरह से अब इसको समअप समप करना होगा तो पहली बात आपकी हॉबी के कुछ टेक्निकल वर्ड्स जो उनको पता हो सकते हैं उनको देख लीजिए कुछ रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स का मतलब कुछ व्यक्तियों के नाम और उनसे जुड़े हुए तथ्य जैसे डांस की बात है तो कौन कौन तो से डांसेस हैं उनके नाम उनमें कौन कौन लोग परफॉर्म करते हैं इस तरह की चीज़ें रीसेंट जो डेवलपमेंट्स हैं क्रिकेट है तो रिकॉर्ड्स थोड़े ज़्यादा देख लीजिएगा भारत में हर व्यक्ति को क्रिकेट में ऐसे दो रिकॉर्ड्स पता हैं जो सिर्फ उसको पता है तो वो आपसे उस लेवल पे पूछ लेते हैं कि ये बताओ कि कौन से मैच में ऐसा 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 हुआ था कि आठवें विकेट की साझेदारी में एक सौ अस्सी रन बनाए गए थे आप सॉरी बोल सकते हैं तनाव की बात नहीं है लेकिन क्रिकेट में ये खतरा ज़्यादा होता है कि पूछने वाला आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हो बाकी हॉबीज़ में खतरा थोड़ा सा कम रहता है क्रिकेट में थोड़ा ज़्यादा है तो डेवलपमेंट्स इस बीच में कोई हुई है इसके अलावा सरकारी संस्थाएं उससे संबंधित क्या हैं जैसे डांस है तो नृत्य एवं कला अकादमी इसमें क्या करती है हर राज्य की जो कल्चर को प्रमोट करने के लिए कल्चरल डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसका पूरा सेटअप क्या है क्या क्या उसकी योजनाएं हैं कल्चर को प्रमोट करने के लिए उसको सारा देख लीजिए फिर जो हमने यहाँ पर किया क्लासिफिकेशन फिर कुछ एग्ज़ाम्पल्स एग्जांपल्स वही पाँच पांच करके हर चीज़ में कर लीजिएगा जैसे गीत आपने लिखा तो यही पांच ऐसे गीत बताओ जो आपको सबसे पसंद हो तो पाँच अच्छे से चुन के जाइएगा वहाँ एक्टिंग करनी है कि तभी सोच रहे हैं इन पहले से एकदम टिप्स पे लेके जाना है और वैरायटी कैसी चुननी है हमेशा ध्यान रखना है न तो खुद को महात्मा गांधी साबित करना है मदर टेरेसा साबित नहीं करना है ख़ुद को और ना हनी सिंह बनने की ज़रूरत है वहाँ पर ठीक है बैलेंस मेंटेन कर लीजिएगा 22-24 साल की उम्र का एक बच्चा जैसी रुचियां रखेगा वैसी रुचियाँ आपकी होनी चाहिए बस 22-24 साल का सड़क छाप बच्चा और पढ़ा लिखा बच्चा उसका अंतर बना रहे है ना एक तो 22-24 साल के हैं और एक पढ़े लिखे हैं इन दो फैक्टर्स को ध्यान रखिएगा ये नहीं कि पांच गीत में पहला तो सर दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल पहला तो ये पसंद है मुझे आ, दूसरा है जय जय संतोषी माँ जय जय माँ इस तरह से नहीं महान ज़्यादा महान बनने का प्रयास मत कीजिए एक आध थोड़ा फिलोसफिकल बता दीजिए एक आ थोड़ा हिस्टोरिकल टच वाला हो एक आध थोड़ा क्लासिकल टच वाला हो जाए और एक आध ऐसा जो थोड़ा सा धुम धम धुम धड़क वाला हो ना ताकि ये लगे कि आप अपनी उम्र में ही हैं अभी से बूढ़े नहीं हो गए हैं और जो भी गीत बताएं साथ में उसका किसने कंपोज़ किया म्यूज़िक को लेखक था उस गीत का लिरसिस्ट कौन था वो सब देख लें एक आध उसमें ज़रूर ऐसा बता दीजिएगा जो थोड़ा सा लगे कि आप इंसान ही हैं रोबोट नहीं है जैसे एक दिन बिक जाएगा माटी के मूल फिलासफर फिलोसफिकल गाना भी है और उसमें रिदम भी बहुत अच्छी है ऐसा बता दिया आपने एक आध कोई फोक म्यूज़िक का बता दीजिए जो भी आपको अच्छा लगे मोरनी बागा में ऐसे कोई है एक आध आप बता सकते हैं किसी पुरानी फिल्म का कोई ऐसा गीत जो बहुत क्लासिकल रहा हो ऐ मेरे वतन के लोगों कि मुझे उसमें जो गाया है लता जी ने वो मुझे बहुत प्रभावित करता है कह दीजिए एक आध कुछ हो और एक आध थोड़ा सा रीसेंट कोई गाना हो जो थोड़ा सा बताए कि आप भी रोमांटिक टाइप के इंसान हैं रोबोट नहीं है कौन सा आजकल चला रोमांटिक में सबसे अच्छा हैं कौन सा आपने बताया सब लोग खुश हो गए आपसे बताओ ना शर्मा क्यों रहे हो <laughs> ये मत बताना यार, टेंट नटन मत बोलना थोड़ा सा मतलब मैंने कहा ना कि 22-24 साल के हो ये भी दिखे और पढ़े लिखे हो ये भी दिखे इसमें 22-24 साल तो दिख रहा है ले, लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट है वो गायब हो गया है जैसे आज कल ये गाना बड़ा रिसेंट है जो गाना और सावन पे इस समय सबसे ऊपर चल रहा है वो इस बारे में है कि आज से तेरी मतलब तेरी मुश्किलें मेरी हो गई तेरा बिजली का बिल मेरा हो गया तेरी रूह मेरी हो गई बड़ा अच्छा प्रयोग है उसमें क्या करता है एक स्पिरिचुअल चीज़ और एक एकदम सांसारिक चीज़ को मिक्स कर देता है कि तेरा दिल आज से मेरा हुआ और तेरा बिजली का बिल आज से मेरा हुआ तो एक रूहानी सा मामला और एक एकदम सांसारिक सा मामला जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं तो मिक्सिंग बड़ी अपीलिंग है उस गाने में तो ऐसा कोई एक गीत जो रिसेंट सा हो और अगर आपका टेस्ट अलग किस्म का है थोड़ा सा कुछ एक दो अलग गीत जैसे एक फिल्म थी गुलाल नाम की उसमें एक गीत था उसमें जो सिमिलीज़ थी वो बड़ी कमाल की थी मतलब सैया जी कैसे घर में घुसे इसकी तुलना की जैसे दूर देश के टावर में घुस गए रे एरोप्लेन मतलब जो अमेरिका में अटैक हुआ तो सैया जी घर में घुसे जैसे दूर देश के टावर में घुस गए गए रे एरोप्लेन अब इस लेवल पर जाकर क्रिएटिव सॉन्ग्स भी कुछ हमारे ज़माने में हैं हो सकता है उन्होंने ना सुना हो लेकिन जैसे ही आप ये लाइन बोलेंगे वो ठहाका हमारे के मस्त हो जाएंगे और दूसरे नंबर खड़ाक से आपके ऊपर निकल जाएंगे क्योंकि कुछ आपने ऐसा बताया जो उनको नया लगा और उनको हंसी आ गई तो हर चीज़ की पांच पांच चॉइसेस सोच के जाइएगा फेवरेट पांच क्या हैं सबसे अच्छे डांसर कौन लगते हैं और डांस में सबसे अच्छा चे स्टेप कौन सा लगता है इस तरह के हर हॉबी में हो सकता है जैसे पोइट्री या डायरी राइटिंग है तो प्रोसेस के बारे में डायरी लिखने का सही प्रोसेस क्या होता है डायरी क्यों लिखते हैं डायरी लिखने के क्या फ़ायदे होते हैं क्या इससे कोई नुकसान भी होता है सबसे प्रसिद्ध पांच डायरी लेखक कौन दुनिया भर में हुए वो तो गूगल करेंगे पता लग जाएगा आपको उनकी डायरीज के नाम बता दीजिए डायरी लिखने में और निबंध लिखने में क्या अंतर है डायरी लिखने में और आत्मकथा लिखने में क्या अंतर है डायरी और जीवनी में क्या अंतर है इस तरह से थोड़ा सा जो आसपास की विधाएँ हैं उनसे अंतर कर लीजिए और अंत में वो सवाल तो है कि डायरी लेखन से सिविल सेवाओं में क्या फ़ायदा मिलेगा आपको आप कह सकते हैं कि सर कलेक्टर इतनी पावर्स के साथ है उसकी हर गलती समाज को भारी नुकसान पहुंचाती है कलेक्टर ऐसा आदमी होना चाहिए जो अपना मूल्यांकन लगातार करता रहे और गलतियां ना दोहराए डायरी लिखने का पर्पज़ मेरा है कि मैं अपना मूल्यांकन लगातार करूँ और अपनी गलतियों को नोट करूँ उनको बार बार पढ़ूं ताकि अगली बार फिर से मैं उसको दोहराना बैठूं इसी एक अच्छा डायरी लेखक कलेक्टर हो सकता है उसको होना चाहिए क्योंकि वो ऐसी गलतियां करने से बचेगा जो उस पूरे ज़िले या पूरे राज्य की स्थिति को कमज़ोर बना सकती हैं इस तरह की उस क्रिएटिव आंसर बना लीजिए इन सब के लिए मैं बेसिकली एक ही लेवल पर लेकर चल रहा हूँ कि उसमें अंतर नहीं आएगा पोजिशन में क्या होगा आप कहेंगे कि मैं क्लास मोनिटर था आप में से कुछ लोग वो भी लिख के आएंगे ना मैं चौथी क्लास में क्लास का मोनिटर था ऐसा लिखा है आपने किसी ने कई बच्चे बहुत खुश हो गए लिखते हैं कि मोनिटर था अपने क्लास में तो फिर उनसे हुँ? अच्छा हरा स्कूल गया था तो कॉलेज में आपने लिखा होगा कि मैं ग्रेजुएशन में क्लास का मॉनिटर था या सी आर था क्लास रिप्रेजेंटेटिव था मैस इंचार्ज था कॉलेज के इलेक्शन में प्रेजिडेंट बना ऐसा कुछ लिखा होगा तो उसमें यूथ पॉलिटिक्स जो है स्टूडेंट पॉलिटिक्स उसका योगदान सीनियर पॉलिटिक्स में क्या है और आपको ध्यान होगा कि जेएनयू और डीयू के मामले में Uh, कुछ साल पहले एक कमेटी थी मैं उस कमेटी का नाम भूल रहा हूँ जिसने स्टूडेंट इलेक्शंस को पूरी तरह से हाँ लिंग दो कमेटी उसने स्टूडेंट इलेक्शंस को पूरी तरह से रिस्ट्रक्चर किया तो अगर आपने कोई पोजीशन होल्ड की है तो उसको देख लीजिएगा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और हॉबीज़ में उनकी निगाह में कोई अंतर नहीं है आपने जो भी लिखा हो हॉबीज़ के लेवल पर उसको देख लीजिए और मेडल्स हों या प्राइजेज हों तो अगर आपने कुछ लिखा है तो बस अगर वो तुरंत परफॉर्म हो सकता है तो अभ्यास कर लीजिए जैसे कुछ लोग लिखते हैं कि डिबेटिंग मेरी हॉबी है या डिबेटिंग में मैंने प्राइजेस जीते हैं तो कुछ लोगों के साथ उन्होंने जो किया वो ये कि अच्छा बेटा तुम डिबेटर हो या नहीं हम देख लेते हैं एक टॉपिक दिया और कहा कि अब तुम इसके पक्ष में एक मिनट तक बोलो और कन्विंस करो हमें जैसे पद्मावत फिल्म को बिना कट्स के रिलीज किया जाना चाहिए इसके पक्ष में बोलो एक मिनट तक और आपने वहां दो तीन तर्क दिए वो टोकेंगे नहीं वो बस अनुमान कर लेंगे कि आप कितने पानी में हैं जब आप पूरा बोल लेंगे फिर कहेंगे ठीक है अब आप एक काम करो इसी टॉपिक के विपक्ष पर एक मिनट तक बोलो आपने जो तर्क दिए थे उन्हीं तर्कों को खारिज कीजिए तो सर्टिफिकेट नहीं देखता यूपीएससी में कि आपने डिबेटिंग के सर्टिफिकेट देखो कोई नहीं पूछेगा सर्टिफिकेट मांगते ही नहीं वो आपसे सर्टिफिकेट्स बल्कि अब लेके जाना चाहें तो लेके जा भी नहीं सकते वहाँ पर और अगर आपने गलती से कहा सर सर्टिफिकेट लेके आऊँ बाहर से बैठ ही बैठ अभी देख लेते हैं ना सर्टिफिकेट क्या देखना है सीधे देख लेते हैं तो अगर वो परफॉर्मेंस बेस्ड हॉबी है या कोई अवार्ड है आपने कहा पोइट्री राइटिंग कुछ केसेस में ये भी कहा उन्होंने कि अच्छा काम करो ये लो कागज़ ये लो पेन अभी इस माहौल पर कविता लिख के दिखाओ ज़रा और इसके लिए हम आपको दो मिनट का समय दे रहे हैं लोग लिखते हैं कई समझदार लोग पहले से उस माहौल पे कविता निबंध सब लिख के जाते हैं दो मिनट एक्टिंग करते हैं क्या लिखो क्या लिखो उसके बाद कहते हैं कि सर थोड़ा लिखा है अच्छा तो नहीं लिख पाया हूँ फिर सुनाते हैं गदगद हो जाती है क्या बात है यार दो मिनट में इतना बढ़िया लिख दिया आपने आशु कवि जिसको बोलते हैं शानदार लिखते हैं आप तो चिंता ये कि अगर एक और लिखवा लिया उसके बाद तब भी क्या कर एक तो एक तो आपने मैनेज किया हुआ पहले से दूसरा कैसे मैनेज करेंगे लेकिन ये होता है कि दो मिनट में तुरंत करवाएंगे आपकी होगी अगर मैथ्स वैथ्स की रही है तो तुरंत कह देंगे कागज़ पहन देंगे कि मैथ्स का सवाल सॉल्व करोग जल्दी से तो ये मान के चलिए कि वो तुरंत परफॉर्म करवा सकते हैं और विषयों पर तो कई बार इतने इंटरेस्टिंग सवाल पूछते हैं जैसे एक व्यक्ति ने मुझे बताया था तो हमने मॉक इंटरव्यू में ऐसे खूब सवाल पूछे जैसे हिस्ट्री के व्यक्ति से कोई ये पूछे कि यार ये बताओ ये जो कमरा है जिसमें आप इंटरव्यू दे रहे हैं मैं जितने सवाल बता रहा हूँ ना अगर आप चाहें तो फिर अगले सेशन में पूछिएगा उन पर बात भी करेंगे कि आप जिस कमरे में इंटरव्यू दे रहे हैं मान लीजिए कि अभी अचानक कुछ ऐसा हो कि सभ्यता ख़त्म हो जाए और उसके 500 या हज़ार साल के बाद खुदाई में ये कमरा फिर मिले नए लोगों को जो इतिहासकार हैं और इस कमरे में हम सामने चार पांच लोग बैठे हैं सामने आप बैठे हैं हम सब ऐसे ही बैठे हुए हैं और हड्डियों का ढांचा बचा हुआ है स्केलेटन बचा हुआ है अब आपको ये बताना है अब जैसे किसने हाथ में अंगूठी पहनी है तो स्केलेटन के हाथ की उंगली में अंगूठी भी बनी हुई है चश्मा भी बना हुआ है उसके चेहरे पे, है ना इयर रिंग्स भी हैं लेकिन बाकी ढांचा बचा हुआ है और ये जो फर्नीचर वर्नीचर सब कुछ है वो सब देख लीजिए ध्यान से देख लीजिए अब ये बताओ कि मान लो हज़ार साल बाद खुदाई हो एक्सकेवेसन हो और आप खुद ही उसको लीड कर रहे हैं एज्यूम कर लीजिए फिर पैदा हो गए तो इस कमरे की खुदाई से एक इतिहासकार के रूप में क्या पांच निष्कर्ष निकालना चाहेंगे ये बताइए असली सवाल ये होता है ये थोड़ा ना होता है कि आप इतिहास के विद्यार्थी अच्छा ये बताओ कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे हमला कब किया था सर तेरह सो दो दो में या तीन में सर तीन में तीन में जनवरी में या फरवरी में यह सवाल थोड़ा ना है ये तो टुच्चापन है यह सवाल थोड़ा ना है अगर उसको पता है कि जनवरी था कि फरवरी था इससे क्या फ़र्क पड़ा सिविल सेवाओं में भारत में लेकिन अगर कोई इस तरह के सवाल में सोच के जवाब दे पा रहा है तो गारंटी है कि आपने एक समझदार व्यक्ति को चुना है और वो समझदार व्यक्ति जहाँ भी काम करेगा अच्छा काम करेगा क्योंकि समझदारी ही चाहिए अल्टीमेटली दुनिया में किसी भी काम को करने के लिए समझदारी कॉमन सेंस क्रिएटिविटी ये सब चाहिए होता है नॉलेज तो आई जाती है किसी भी काम को करते करते तो अगर आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे हैं तो आप मान के चलिए कि कोई आपको रोक नहीं पाएगा सोच पा रहे हैं इसका उत्तर हिस्ट्री के लोग सोच के देखें और किसी भी विषय के मनोविज्ञान के लोग भी सोच सकते हैं कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र के लोग भी सोच सकते हैं कि इसी में समाज शास्त्र ही क्या निष्कर्ष निकालेगा भूगोल के लोग भी निकाल सकते हैं कि इसमें भूगोल का व्यक्ति क्या निष्कर्ष निकालेगा क्योंकि उस कमरे में ऐसा कुछ ना कुछ होगा जो आपको भूगोल जो आपको इकोनॉमिक्स जो आपको साइंस टेक जो आपको इन सब विषयों के बारे में इनसाइट दे सकता है तो इस तरह से सोचने की आदत केवल डाल लें इसके बाद केवल दो चीज़ें बचती हैं एक आपका होम स्टेट क्या है स्टेट प्रेफरेंसेस क्या हैं एक आपकी काडर प्रेफरेंसेस जो इस फॉर्म में नहीं है लेकिन अलग से इस बार आपने भरी हैं तो आप मान के चलिए कि जब आप बाहर जाएंगे तो उनके हाथ में एक कागज़ होगा जिसमें आपकी काडर प्रेफरेंसेस जोन वाली होंगी इस पर केवल दो बेसिक क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ और फिर समाप्त करते हैं तो डेफ का अगला हिस्सा है सर्विस प्रेफरेंसेस जी हम उस पर अलग से बात भी कर लेंगे एक दिन है ना हॉबीज पे ही बात कर लेंगे जो दस पंद्रह होंगे सब पे डिस्कस कर लेंगे सर्विस प्रेफरेंसेस पे सवाल आमतौर पर तभी आएंगे जब आपने कुछ अनयूजुअल भरा होगा यूजुअल है तो एक ही सवाल आता है सबसे ऊपर अगर आईएएस है तो कोई सवाल नहीं पूछेंगे जनरल था कि आप आई एस क्यों बनना चाहते हैं ठीक है लेकिन ये नहीं पूछेंगे नंबर एक पे रखते हैं नंबर दो पे आई नंबर तीन पर आई अगर है तो कोई सवाल नहीं बनता है नंबर चार पर आई नंबर पांच पर भी आई अगर है दोनों डायरेक्ट एंड डायरेक्ट एक्सेस वाला जनरली सवाल नहीं बनता है पूछ जरूर सकते हैं कि इन तीन का तो समझ में आ रहा है इन तीन के एकदम बाद आप सीधे आई पे आ गए इसकी क्या वजह हो सकती है यह सवाल तो मान के चलिए बनेगा यदि आपने आई एफ एस को नंबर दो पे कर दिया है या नंबर एक पे कर दिया है तो आपका इंटरव्यू सेंटर्ड रहेगा फॉरेन सर्विस पे ही इंटरनेशनल रिलेशंस पे रहेगा और उसको लेके हमारी अप्रोच क्या है अगर आपने आई पी एस को नंबर एक पे कर दिया या नंबर तीन पे या और नीचे कर दिया तो आपका इंटरव्यू पुलिस पे फोकस रहेगा इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है यदि आपने आईपीएस को रखा ही नहीं है नीचे कर दिया या जीरो जीरो कर दिया और आई एर एस को आप उठा के लेके नंबर दो पर तो आपका इंटरव्यू इस पर केंद्रित रह सकता है ये कुछ सवाल है उसके बाद के सर्विस को लेके बहुत सवाल नहीं आते जब तक कुछ बहुत यूनिक ना हो यूनिक होगा तो फायदे में रहेंगे दिल्ली में एक हमारा पुराना स्टूडेंट अभी एसीपी है उसने क्या प्रेफरेंस भरी IPS नंबर दो RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स नंबर तीन डानिप्स शायद नंबर दो डानिप्स डेली एंड हनुमान निकोबार पुलिस सर्विसेज नंबर चार पीपीएस पांडिचेरी पुलिस सर्विसेज और बाकी सब जीरो जीरो सारी जीरो जीरो आई ए एस भी जीरो जीरो अच्छा वो हरियाणा की बैकग्राउंड से है और उसकी टोन एकदम वही है जो हरियाणा में आम बोलचाल की होती है यूपीएससी के इंटरव्यू में ऐसी टोन के साथ जाना थोड़ा रिस्की लगता है कि कैसे बात वहाँ पर होगी <laughs> लेकिन अब है तो उसका बदल भी नहीं सकते दो दिन में कैसे बदलेंगे तो मेरा अनुमान यह था कि यार तुम्हारी प्रेफ्रेंसेज ऐसी हैं कि इंटरव्यू चलेगा प्रेफरेंसेज पे ही और तो तुम कैसा भी इंटरव्यू दे के आओगे नंबर अच्छे ही मिलेंगे तुम्हें तनाव की ज़रूरत नहीं है आप विश्वास नहीं करेंगे उस व्यक्ति का इंटरव्यू जितना मैं याद कर पा रहा हूँ मैक्सिमम तेरह से पंद्रह मिनट तक चला सिर्फ इतना क्योंकि उससे उससे ज़्यादा बात करना थोड़ा मुश्किल लगा होगा क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे होंगे उसकी टोन को बोलने के स्टाइल को नहीं समझ पा रहे होंगे और उसके बाद भी उसको अगर मैं ठीक याद कर रहा हूँ तो तीन नंबर जब हुआ करते थे उसको तो वन के आसपास मार्क्स मिले थे जो कि अच्छे नंबर थे बुरे नंबर नहीं थे डानिप्स में आ गया वो आई पी तो नहीं मिल पाया डानिप्स में आ गया है और हिस्ट्री जोग्राफी उसका विषय था उसमें उसकी ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी तो सेलेक्ट हुआ उसका इंटरव्यू पुरुषोत्तम अग्रवाल जी के बोर्ड में पड़ा था और उन्होंने ये पूछा कि यार ये क्या प्रेफरेंस भरी है तुमने आई एस नहीं बनना बोलो नहीं बनना पर क्यों नहीं बनना नहीं बनना ही नहीं मुझे आई ए एस क्यों नहीं बनना मन नहीं करता मेरा वो इसी त्यौहार में बात करता था आई क्यों बनना क्योंकि वर्दी अच्छी लगती है और नंबर अच्छे मिले क्योंकि हमारे देश में दिक्कत यह है कि आईपीएस में जो लोग हैं उनमें से 99% परसेंट वो हैं जो जीवन भर इस कसक के साथ जीते हैं कि आई नहीं बन पाए और जो कसक के साथ जिएगा वो कैसे अच्छा परफॉर्म करेगा परफॉर्म तो वो करेगा ना जो दिल से वहाँ पर है कि बस यही काम के लिए बना था इसलिए अगर आपने पहली प्रेफरेंस आई भरी है तो आप मान के चलिए कि आपके दस नंबर बढ़ गए क्योंकि उनको ऐसे लोग चाहिए और वो चाहेंगी कि सो नंबर उम्बर दे के आई पी बना ही दो ताकि ये खुश होकर काम करे वहाँ पर तो सवाल आपसे पुलिस के बारे में पुलिस रिफॉर्म्स पूछ लेंगे पुलिस को क्या क्या पता होना चाहिए कौन से एक्ट हैं सी क्या है सी आर क्या है आई पी क्या है उसकी पाँच पाँच छः से धाराएँ आपको पता हो केवल ये दिखाने के लिए कि आँखों में चमक आती है कि नहीं आती है आइडिया है या नहीं आपको और पुलिस की क्या क्या समस्याएं हैं कैसे पुलिस रिफॉर्म करेंगे कैसे पुलिस की समस्याएं और पुलिस द्वारा होने वाली समस्याएं दूर की जा सकती हैं इन सब में आपकी रुचि दिखनी चाहिए बेशक टेक्निकल नॉलेज आपको ना हो लेकिन रुचि कम से कम देखे अगर आईएफएस नंबर एक या नंबर दो पर है तो सारे सवाल फॉरेन सर्विसेज पे और यही विदेशी संबंध क्या होना चाहिए भारत की नीति उस देश के प्रति क्या हो उसके प्रति क्या हो कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट चल रहा है उसके बारे में पूछेंगे और आई में किसी भी समस्या का इतिहास से लेकर अब तक तो पूछ सकते हैं और तथ्यों के रूप में नहीं आपका व्यू जानना चाहेंगे कि अगर आप होते विदेश सचिव तो आप क्या कर रहे होते इस लेवल पर किसी भी सर्विस में होंगे तो आपसे एक बात ज़रूर पूछेंगे कि अगर आपको ये बना दिया जाए और ये सिचुएशन है तो आप क्या करेंगे और हाईएस्ट बना देंगे आप आईपीएस पी भरेंगे तो मान लीजिए आप किसी राज्य के डीजीपी हैं या सीधे आ जाएंगे आप किसी ज़िले के एसपी हैं फिर सिचुएशनस आपके सामने आई में तो किसी देश के राजदूत हैं या भारत के विदेश सचिव हैं आई में तो सेक्रेटरी हैं या किसी ज़िले के, के कलेक्टर हैं इन दो लेवल्स पर जनरल सिचुएशन आती हैं सबसे कठिन सवाल होता है आई वाला आई आपने क्यों भरा नंबर नंबर दो पे है तो बहुत चिंता की बात है कई लोग तो ऐसे हैं नंबर एक पे आई ए एस भरते नंबर दो पे आई और मन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आई ना मिले आई ही मिले क्योंकि उनका फंडा एकदम क्लियर है उनको बोरियां भरनी है और कुछ नहीं करना जीवन में और बोरी भरने के लिए उनको लगता है कि आई सबसे अच्छी सेवा है मतलब बोरियाँ तो जो भरने पे आ ही जाएगा वो आई एस में भी भरेगा आई पी एस में भी भरेगा हर जगह भरेगा लेकिन आई आर बदनाम ज़्यादा है इस मामले में क्योंकि सीधे सीधे टैक्सेशन का मामला है तो आई आपने क्यों इतना ऊपर भरा सवाल ये है भरा आप सबने होगा नंबर चार पे तो भरा ही होगा सबने कोई तो ऐसा है कि चार पे भी नहीं भरा हो जिसने तो नहीं चार या उसके ऊपर भरा होगा ना चार के नीचे नहीं भरा होगा और नंबर दो पे कितने लोगों ने भरा है हाँ तो बस आपका इंटरव्यू भी लीक होने वाला है पूरा और नंबर एक पर गनीमत है कि एक पर किसी ने नहीं भरा एक पे है फिर तो मान के चलिए कि वो आपको रगड़ देंगे पूरी तरह से मजे की बात है कि इस सवाल में उनको भी पता है कि आपने क्यों भरा है आपको भी पता है कि आपने क्यों भरा है इसलिए आप इसमें जब जवाब देते तो बहुत साफ बात आ नहीं पाती हाँ ये हो सकता है कि आप में से किसी का आई भरने का कारण दूसरा रहा भी हो जैसे एक जनरल एजम्शन ये है कि सिविल सेवाओं में 70 से 80 प्रतिशत लोग करप्ट होते हैं और ये शायद हम बहुत जल्दी कम भी नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को और ये कहाँ से आ रहा है सिविल सेवाओं से आ रहा है समाज से आ रहा है समाज से आ रहा है समाज में ही जब करप्शन का कर इतना महिमामंडन है ग्लोरीफिकेशन है तो सर्विसेज में भी आता है अब जिसने सिविल सेवा में आने का एक पर्पज पैसा रखा हुआ है तो उसको आई अपील करता है क्योंकि उसको पता होगा सब लोग बताते हैं सीनियर्स के भाई ये सेवा ऐसी है वो सेवा ऐसी है तो आई आर भरता है लेकिन कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जिनको इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता होगा कि आई ऐसी सेवा है उन्हें शायद पैसे की कामना भी ना होती हो ज़्यादा अच्छी बात है कि वो सैलरी पर डिपेंडेंट रहें और कुछ बढ़िया काम करना चाहें उन्होंने आई क्यों भरा होगा तो आई भरने की एक वजह तो सीधे सीधे ये हो सकती है कि, कि किसी व्यक्ति के मन में लालच है जो जनरली सही वजह है बेशक आप इंटरव्यू में उसको बताएं या छिपाएं छिपाएंगे ही लगभग सब लोग कभी कभी हो सकता है कि इसकी एक वजह इग्नोरेंस भी हो जानते ही नहीं थे किसी किसी मामले में ऐसा होगा भी आप में से कि इग्नोरेंस है पता ही नहीं है सर्विसेज कौन सी किस ऑर्डर में होती हैं सर्विस में क्या होता है क्या नहीं होता है कभी कभी हो सकता है एक विशेष आपकी बैकग्राउंड या आपका इंटरेस्ट ऐसा हो इन तीन के अलावा कोई चौथी वजह तो ढूंढना मुश्किल है इग्नोरेंस का मतलब है कि सर मैं तो केवल दो सर्विस जानता था आईएएस आईपीएस बाकी मुझे आइडिया था नहीं मेंस का फॉर्म भरना था डेट आ गई थी सर्विसेज का अंदाजा तक नहीं था तो अंत में मैंने अपने जो सीनियर कुछ फ्रेंड्स जो मेन जहरे थे उन सबसे पूछा कि भैया बताओ क्या भरना है उन्होंने जैसा भरा था उसको देख के वैसा का वैसा भर दिया मुझे किसी भी सेवा के बारे में आइडिया नहीं दो का पता है दो का ही सपना है आई ए एस या आई पी एस बस कुछ मजाक में कहते हैं कि नौकरियां तो दो हैं केवल आई ए एस आई बाकी तो नौकरियां हैं समझ पा रहे हैं नौकरियाँ शब्द के दोनों मतलब नौकरियां तो दो ही हैं बाकी तो नौकरियां हैं बाकी मेरा फिर ये छोड़ दे कि आपने क्या कमाल किया फिर तो नौकरी है थोड़ा ऊँचे स्तर की नौकरी है नीचे स्तर की नौकरी है तीसरा अगर आप सी ए बैकग्राउंड के जैसे मान लीजिए हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड के ही व्यक्ति रहे या फिनेंस में आपने कोई डिप्लोमा या एम किया हुआ है तो एक लिंक बन सकता है कि आप कहें कि सर मेरी बैकग्राउंड ऐसी है कि मुझे लगता है कि मैं इस सर्विस में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगा इसलिए मैंने एक नेचुरल चॉइस के रूप में इसको ऊपर रखा इसके पीछे कोई और कारण नहीं है और मैंने अकाउंट्स की सर्विसेज को जनरली ऊपर रखा है क्योंकि मेरे बैकग्राउंड से मुझे हेल्प करेगी तो आई भी इस वजह से ऊपर रखा है लेकिन अगर आपकी बैकग्राउंड नहीं है इंटरेस्ट की कोई ठोस वजह नहीं है इंटरेस्ट आप ये कह सकते हैं कि सर मैं यू जब से तैयारी कर रहा हूँ मेरी सबसे ज़्यादा रुचि पता नहीं क्यों इकॉनॉमी पढ़ने में रही है ये आप तब कहें जब आप इकोनॉमिक्स के सवालों के जवाब दे सकते हो गंभीर सवालों के जवाब दे सकते हैं जैसे ही आपने कहा सर इकोनॉमी पढ़ते हुए बहुत अच्छा फील करते होंगे कहेंगे अच्छा देख लेते हैं बात करके अंदाज़ा लगा लेते हैं तो अगर इकोनॉमी आपकी अच्छी है बहुत कंफर्टेबल है आप उससे बात करने में तो आप ये कह सकते हैं कि सर इकोनॉमिक्स मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मेरा मन करता है कि मैं अगर आई ना बनूँ तो कुछ ऐसा करूँ जिसका योगदान इकोनॉमिक्स सेक्टर में हो चाहे वो रेवेन्यू कलेक्शन का मामला हो चाहे टैक्स रिफॉर्म्स का मामला हो मैं इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लेता हूँ और मेरी इच्छा है कि अगर आई भी बनूँ तो भी इकोनॉमिक्स अफेयर्स में ही मेरा स्पेशलाइजेशन हो जैसे आप देखेंगे फिनंस सेक्रेटरी आई होता है वो आई नहीं होता है पर वो आई में क्या होता है कि धीरे धीरे आपका एक स्पेशलाइजेशन बन जाता है सरकार मान के चलती है कि उस तरह के काम आप अच्छे कर सकते हैं तो आपको उसी काम में भेजती है फिर अगर आप आई बनते हैं तो तीन चार साल के अंदर अंदर अपना एक एरिया चूज कर लीजिएगा और उस पर फोकस करना शुरू कर दीजिए उस पर इतना पढ़िए इतना लिखिए इतना रिसर्च कीजिए इतना प्रयोग करके देखिए कि आप उस फील्ड के मास्टर कहलाएं और फिर जब देश को ज़रूरत पड़े तो उस फील्ड में सबसे बड़ा पद देश का आपके हवाले हो जाए यही तरीका है सिविल सर्विसेज में आगे बढ़ने का तो आप कहेंगे सर मैं अगर आई भी बनूँगा तो भी मेरी प्रेफ्रेंस होगी इकोनॉमिक्स से जुड़े मामलों को देखने में फाइनेंस को देखने में क्योंकि वो मेरा रुचि का क्षेत्र है तो अगर आपकी कोई बैकग्राउंड है इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो जस्टिफिएबल है आप आराम से जस्टिफाई कर सकते हैं अगर आप इग्नोरेंस वाली बात कहते हैं तो कह सकते हैं चल जाता है लेकिन बहुत कन्विंसिंग नहीं होता अगर पहली वजह आपके साथ है तो आप उसको कहेंगे इंटरव्यू में है ना सबके चेहरे पर मुस्कुराहट हाँ आ गई साथ साथ एक साथ आई ये नहीं सर ये कैसे कहेंगे तो मत ही कहिएगा आमतौर तो पर सच बोलना चाहिए पर हर सच तो नहीं बोल सकते ना तो ये वाला सच तो मत बोलिएगा मतलब ईश्वर करे आपके मन में ऐसा भाव भी ना हो लेकिन अगर है भी तो कम से कम आप कहिएगा मत कि सर सिविल सेवा मेरे लिए एक उद्योग की तरह है मिनिमम इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम प्रॉफिट्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट में करना चाहता था यही मेरा उद्यम है यही मेरा एंटरप्रेन्योरशिप है तो ऐसी भद्दी बात कहने से बचिएगा और वैसे आप जिस समय सरकार में जा रहे हैं उस समय तक ई गवर्नेंस इतनी बेहतर होने लगी है कि मुझे लगता है कि 20 तीस साल होते होते करप्शन का स्कोप ही ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा आप खुश हैं कि बीस तीस साल हैं अभी लेकिन <laughs> वो लगातार टफ होता जाएगा और अच्छी बात है एक ऐसा समाज एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ करप्शन का स्कोप ही ना हो डिस्क्रिशन फाइनेंशियल मामलों में इतनी कम हो कि ऐसा स्कोप ना बचे तो चीज़ें कितनी आसान आसानी जैसे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री क्या कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा ये कहने का भाव ये है कि टेंडरिंग के प्रोसेस को हम इतना ट्रांसपेरेंट कर देंगे कि सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं ट्रांसपेरेंट है कोई टेंडर निकले ट्रांसपेरेंट है ऑनलाइन आप अप्लाई कीजिए ऑनलाइन उसको हम रिव्यू कर लेंगे रिव्यू करने के पैरामीटर्स फिक्स कर रखे हैं उससे जिसका टेंडर निकला निकल गया इतना अगर ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा तो देश के लिए तो अच्छा ही होगा आपके लिए भी अच्छा ही होगा सबके लिए अच्छा है इससे अच्छा क्या हो सकता है अंतिम है कार्डर प्रेफरेंस जी थोड़ा बहुत जान लेंगे तो अच्छा है आप तो पहले जिस सर्विस में वो टैक्सीशियम वाले सर्विस है पहले वाले भी अभी जिस सर्विस में है अच्छा तब तो अलग बात है वरना जैसे कोई स्टेट में असिस्टेंट कमिश्नर है टेक्सटेशन में वो आई भरता भी है ऊपर नंबर एक पे भी तो एक मतलब लेजिटिमेट चॉइस मानी जाती है कि एक ख़ास एक्सपोज़र आपके पास है उस एक्सपोज़र को आप यूज़ करना चाह रहे हैं यहाँ पर तो वो माना जाता है लेकिन अगर नंबर तीन पे भरा है तो वही बात है ना जो आपने ऊपर भरा है आंखों में चमक आनी चाहिए जैसे पूछे आपने आई क्यों भरा है कि सर आई आर भरा है क्योंकि मैं ये ये चीज़ें इसके बारे में जानता हूं समझता हूं करना चाहता हूं और बहुत महानता मत दिखाना कि सर देश को आर्थिक संकट से निकालने के लिए रेवेन्यू कलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है और पूरा देश थक चुका है इसलिए मेरा जन्म हुआ है इस काम करने के लिए कई लोग इस भाव से उत्तर देते हैं कि जैसे कृष्ण गीता में कह रहे थे ना यदा यदा ही धर्म से गानिर्भवती भारत इस देश की समस्याओं का अंत करने के लिए मैं अवतरित हुआ हूँ इसी में ये बनना चाहता हूँ तो ये भाव मतलब लाइएगा कि कृष्ण के बाद दसवें अवतार आप ही हैं मतलब तो अपनी सीमाओं में रहना है जैसे करप्शन कैसे दूर करोगे तो सर देश का तो मैं नहीं कर सकता लेकिन अपने विभाग में कर दूंगा मैं ना करूं मेरे जूनियर्स ना करें ये मेरे हद में है इतना मैं इंश्योर कर लूंगा मेरे सीनियर्स ना करें शायद मेरे हद में नहीं है मेरे बाकी विभागों के लोग ना करें मेरे हद में नहीं है तो मैं जिस पद पे हूँ उस पद में जो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है एक होता है जोन ऑफ कंसर्न मेरा कंसर्न क्या है भाई अफ्रीका में दो लोग मरे में से कंसर्न है क्यों मर गए किसी भी देश में कोई भूख से मरा कहीं सांप्रदायिक दंगा हुआ मैं दुख होता है कंसर्न होता है मैं एक है जोन ऑफ इन्फ्लुएंस कि मेरी इन्फ्लुएंस की शक्ति कहाँ तक है जहाँ मैं इन्फ्लुएंस कर नहीं सकता हूँ वहाँ मैं क्यों परेशान रहा हूँ उस चीज़ के लिए तो सिविल सर्विसेज़ में आपका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस वो है जो आपका पद है और आपकी अधीनस्थ पद है सबऑर्डिनेट्स हैं आपके आप गलत काम ना करें आपके सबॉर्डिनेट्स ना कर पाए ये आप इंश्योर कर सकते हैं और अगर आप इतना कर रहे हैं तो आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट होने की सारी अर्हताएँ पूरी कर रहे हैं एलिजिबिलिटीज पूरी कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपसे एक्सपेक्टेशंस नहीं है करना पैनी चाहिए अंतिम है कार्डर प्रेफरेंस कार्डर प्रेफरेंस में देखिए एक स्थिति हो सकती है कि आपने पांचों जोन भरे हैं दूसरा हो सकता है तीन या चार जोन भरे हैं आप में से कितने लोगों ने पाँचों जोन भरे हैं ऐसे लोगों की संख्या कम है तो बाकी लोगों ने सिलेक्टिवली तीन या चार जोन भरे होंगे है ना जिन्होंने पाँचों भरे हैं वो खुश होंगे कि हमसे सवाल नहीं पूछेंगे इनसे तो पूछेंगे कि ये वाला क्यों नहीं भरा है तो अगर आपने नॉर्थ ईस्ट वाला जोन मान लीजिए नहीं भरा और जिसने भरा है बट नेचुरल है कि उसको नंबर पाँच पे ही रखा होगा सवाल तो ये भी हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट से इतनी नफरत की नंबर पांच पे रखा आपने उसको इसका जवाब देना उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल ये कि इतनी नफरत की भराई नहीं उसको आपने इन दोनों में कितना अंतर है लगभग तो वही सवाल है कहाँ तक बचेंगे इस चीज से फिर जोन वन आपने जो उत्तर भारत का रखा होगा मेरे ख्याल से आपने उसमें जम्मू कश्मीर को हटा दिया होगा या अंत में रखा होगा तो किसी ने जोन वन में जम्मू कश्मीर को नहीं रखा और किसी ने सात नंबर पर रखा इन दोनों में क्या अंतर है सिर्फ इतना कि दिखाने के लिए भर दिया आपने दरअसल आप चाह नहीं रहे थे इसको तो पहली बात तो अपने मन से ये निकाल दीजिए कि मैंने जोन नहीं भरे तो मेरी नानी मरने वाली है वहां पर जिसने जोन भरे हैं उसको पुरस्कार मिलने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है सवाल आएंगे सवाल का जवाब दे दीजिएगा क्या सवाल पूछेंगे आपसे वो आपसे कहेंगे कि यार ये बताओ तुम तो अखिल भारतीय सेवा में जा रहे हो पूरा भारत आपके लिए एक होना चाहिए आपने तीन जोन को भरा उनमें से भी एक जोन में एक स्टेट को नहीं भरा दो जोन आपने भरे ही नहीं क्या निष्कर्ष निकालें आपके बारे में आपको दक्षिण भारत से नफरत है आपको उत्तर पूर्व से नफरत है कैसे भारतीय हैं आप ये सब तो पूछेंगे उस नाटकीय बना के आप कहना सर नफरत नहीं है एकदम नफरत नहीं है मैंने प्रेफरेंस वाला डॉक्यूमेंट पढ़ा और डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा था कि अगर आपको किसी जोन से विशेष मतलब नहीं है या विशेष रूप से आप नहीं चाहते कि आपको उसको कंसिडर किया जाए और आपके लिए वो इक्वल है तो आप उसको नहीं भी भर सकते हैं तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब उससे प्रेफरेंस पूछेंगे तो मेरी राय इस मामले में ये है आप उनसे इस तरह से कहेंगे सर मेरे लिए पूरा देश बराबर है मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ काम कर रहा हूँ हाँ प्रेफरेंस पूछेंगे कि आप चाहते क्या हो तो मैं चाहूँगा कि अपने होम स्टेट में काम करूँ क्योंकि होम स्टेट में काम करूँगा मेरी अपनी भाषा मेरी अपनी संस्कृति मेरे अपने लोग और एक ये फीलिंग सबके अंदर होती है कि वो अपने समाज को दिखा सके कि देखो मैंने कितनी अच्छी सफलता अर्जित की है कौन नहीं चाहता है अपने लोगों की निगाह में आप अच्छे बने सफल बने कौन नहीं चाहता है आप रहते हैं राजस्थान में काड़ा में नागालैंड जंगल में मोर नाचे जा रहे नाचे जा रहे किसने ने देखा ही नहीं मोर नाच नाच के बेहाल और आपको अपने राज्य में जाके बताना पड़ रहा है मैं वहाँ कलेक्टर हूँ जैसे ये तुम्हारा कलेक्टर है ना वैसे मैं भी कलेक्टर गया होगा कलेक्टर या जाए यहाँ से कौन पूछता है तो कौन नहीं चाहता कि वो अपने उस जोन में सफल हो के देखे जहाँ उसकी परवरिश हुई सब लोगों से मिला समाज उसका है तो मेरी पहली प्रेफरेंस इसलिए मेरा होम स्टेट है इसका मतलब ये नहीं कि बाकी स्टेट्स मुझे पसंद नहीं है होम स्टेट पहली प्रेफरेंस है अब होम स्टेट ना मिले तो मैं क्या चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि अपने राज्य के आसपास रहूँ जो मेरी भाषा है मैं अपनी भाषा में बहुत कंफर्टेबल हूँ मैं चाहूँगा जहाँ भी काम करूँ लोगों से ठीक से बात कर सकूँ अगर नई भाषा में बात करनी होगी तो मुझे इस बात का डर लगता है कि मैं उस भाषा में उतना सहज हो पाऊंगा या नहीं जिस सहजता के स्तर पर मैं अभी बात कर सकता हूं तो मेरे सेकंड प्रेफरेंस है कोई ऐसा राज्य जो मेरे घर के आसपास है और मेरी भाषा वाला है घर के आसपास इसलिए कि मेरी जिम्मेदारियों में मेरे माता पिता की जिम्मेदारी भी है तो मैं चाहूँगा कि मैं उनके आसपास रहूँ संकट हो तो तुरंत तो जा सकूँ मैं ये भी चाहूँगा कि कभी कभी वो भी मेरे पास आए तो उनको भी ये ना लगे कि वो किसी ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहाँ वो सहज नहीं हो पा रहे हैं तो आसपास के राज्य में उनको असहजता उतनी महसूस नहीं होगी कि जितनी किसी दूरस्थ राज्य में होगी और फिर उसके बाद मुझे लगता है कि सर बाकी जो राज्य बचे उनमें ऊपर नीचे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ मेरे लिए तमिलनाडु और कर्नाटक में कर्नाटक और केरल में केरल और तेलंगाना में कोई अंतर नहीं है ये सब इक्वल प्रेफरेंस के राज्य हैं इसी प्रकार से नागालैंड हो मणिपुर हो त्रिपुरा हो मेघालय हो मिजोरम हो असम हो इनमें कोई ऊपर नीचे की रैंकिंग मेरे दिमाग में नहीं आती इनमें से कोई भी राज्य मुझे मिल जाए मैं इक्वली कंफर्टेबल हूँ चाहे ये राज्य मिले चाहे वो राज्य मिले इसमें रैंकिंग नहीं है रैंकिंग वहाँ तक है जहाँ तक मुझे फ़र्क पड़ता है कि ये मिल जाए ज़्या तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ये मिले तो और अच्छा रहेगा एक लेवल के बाद मुझे लगता है कि इसके बाद जो भी राज्य मिलेगा वो सब मेरे लिए बराबर हैं क्योंकि मेरा भाषा संस्कृति परिवार समाज अलग है तो जब अलग है ही तो सब बराबर हैं अगर मैं तमिलनाडु आठवें नंबर पर रखूँ और केरल नौवें नंबर पर रखूँ तो सवाल उठेगा केरल से आप क्यों नहीं प्यार करते तो जब मेरे तमिलनाडु और केरल बराबर ही हैं तो मैं उनको ऊपर नीचे क्यों करूँ इसलिए मैंने उनको सबने हमने नाइन भर दिया जिसका मतलब है कि मैं उनको इक्वल कम्फर्टेबल हूँ उनके लिए इतना ही मतलब है क्या आपको लगता है कि इसके बाद कोई ख़ास सवाल बनता है हाँ तो आप कह सकते हैं कि सर इसके एक वजह ये भी थी व्यावहारिक वजह यह भी थी कि अगर मैं सारे जोन भरता तो मुझे अपने निकट के स्टेट्स मिलने की संभावना और कम हो जाती और क्योंकि मेरे लिए ये राज्य एकदम बराबर थे और इनको नहीं भरने से वो संभावना बढ़ रही थी इसलिए मैंने एक प्रयोग करके देखा एक कोशिश करके देखी मिल जाएगा तो ठीक है वरना मैं बहुत सहजता से कह रहा हूँ कि सर मुझे अगर पूरी ज़िंदगी नागालैंड में भी गुजारनी पड़ेगी इस बनकर मुझे रत्ती भर भी दिक्कत नहीं है मैं एकदम सहज हूँ इस बात से बस कन्विक्शन के साथ कहिए आँखों में चमक होनी चाहिए आपकी जो ये मुस्कुराहट है ना ये बेचारगी वाली मुस्कुराहट है इससे लग रहा है कि अरे यार मिल ना जाए नागालैंड कहीं <laughs> है ना चेहरे पर भाव ये होना चाहिए मिल जाए क्या दिक्कत है कोई भी राज्य मिले वहाँ काम करेंगे तो भाव ये रखिए भैया ये बताओ कल को आप लोगों की शादी होगी क्या भाव आता है आप चाहते हैं कि ऐसा जीवन साथी मिले जो बहुत कंपेटिवल हो सुंदर हो स्मार्ट हो पढ़ा लिखा हो सहनशील हो आपके साथ ठीक से बर्ताव करे हॉबीज़ आपके मिलती जुलती हो है ना जो सुंदर भी है स्मार्ट भी है पढ़ा लिखा भी है समझदार भी है संवेदनशील भी है आपके पेरेंट्स का भी ध्यान रखता है सब चीज़ों का ध्यान रखता है ऐसा जीवन साथी किसी को मिला तो है नहीं आज तक किसी को भी नहीं मिला है है ना जो भी मिलेगा उसमें कुछ तो कमी होगी ही तो उसके बाद निभाओगे नहीं निभाओगे निभा लोगे ना तो कोई आपसे कहेगी भाई सौ रिश्ते आए हैं या छब्बीस रिश्ते आए हुए हैं कौन पसंद है आप क्या कहेंगे देखो ऐसा है कि छब्बीस में ये चार समझ में आ रहे हैं इन चार में नंबर एक पे ये दो पे ये तीन पे ये चार पे ये इनमें से कोई मिल जाए ठीक वरना बाकी सब बराबर हैं टॉस कर लेना इसमें कौन सी अननेचुरल आपने बात कही यही तो होता है कि एक लेवल तक आपको समझ में आता है कि हाँ ये बेहतर है ये बेहतर है उसके बाद आपको लग रहा है कि इसमें और इसमें कोई अंतर मैं कर ही नहीं पा रहा तो जब अंतर नहीं कर पा रहा तो फिर टॉस कर लो फिर मैं क्यों बताऊँ कि कौन मेरा ज़्यादा प्रेफर्ड स्टेट है या प्रेफर्ड वुड बी बिस्पाउस है मेरे लिए तब इक्वल प्रेफरेंसेस हैं इससे डरने की जरूरत नहीं है आपने बस ऊपर की दो तीन प्रेफरेंसेस के स्टेट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा जैसे अगर आपने एमपी लिखा तो एमपी में कौन मुख्यमंत्री है कुछ खास जो दो चार योजनाएं उनके चल रही हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है बिहार लिखा तो नीतीश कुमार को लेकर कुछ ठीक से स्टडी कर लीजिए वहाँ की पॉलिटिकल क्राइसिस को देख लीजिए तो ऊपर के दो तीन चार प्रेफरेंसेस तक एक इंटरेस्ट आपका नजर आए जो करंट डेवलपमेंट से वहाँ की उससे आपका लगाव दिखे इतनी आपसे अपेक्षा होगी उससे ऊपर अपेक्षा नहीं होगी ये था पूरा आपका डी को पढ़ने का तरीका और मेरा अपना ख्याल है कि अगर आप डी एफ पर लगभग पंद्रह से बीस दिन लगा देंगे उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है और करना क्या है हर एरिया में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन सा है जनरली एक्सपेक्टेड कौन सा है और लीस्ट एक्सपेक्टेड कौन सा है उसमें बांट कर, जब डिवाइड करेंगे तब तैयारी तो आपकी या अच्छी होगी और पहले हर एरिया के वो क्वेश्चंस कर लीजिए मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं फिर नंबर दो पर हर एरिया हॉबी से लेकर सब्जेक्ट तब तो उस पर आइए जो कम एक्सपेक्टेड है क्योंकि अगर आपने एक एरिया के सारे क्वेश्चन करने शुरू किए तो उसी में आपका टाइम सारा खत्म हो जाएगा और फिर इंटरव्यू के एक दिन पहले क्या सोचेंगे बस एक साल और मिल जाता ना तैयार करने के लिए तो कमाल हो जाता और एग्जांपल्स ऐसे ऐसे हैं परसों एक अधिकारी से मेरी बात हो रही थी जो दो बार सिलेक्ट हुए या सिलेक्ट शायद एक बार हाँ दो बार सिलेक्ट हुए उन्होंने कहा कि पहली बार जम के तैयारी के इंटरव्यू के डेढ़ नंबर आए मतलब एक दो महीने तैयारी की इतना तैयारी इतने मॉक इंटरव्यू पता नहीं क्या क्या किया कुछ नहीं छोड़ा तो डेढ़ सौ आए अगली बार तैयारी थोड़ी सी कम हो गई टाइम नहीं मिल पाया पांच सात दिन मिल पाए तो एक सौ अस्सी नंबर आए तीसरी बार तैयारी का मौका ही नहीं मिला नौकरी में था दिल्ली आया स्टेशन से यूपीएससी गया स्टेशन पर एक वो कोई होटल लिया वहीं पर कपड़े वपड़े चेंज किए थोड़ा शेवेव की हुलिया बनाया आई एस इंटरव्यू के लायक और चला गया और दो नंबर आए तो तैयारी जैसे जैसे घटती गई वैसे वैसे नंबर बढ़ते गए हालांकि इसके पीछे एक बात जो छिपी है वो ये कि जैसे जैसे अनुभव का विस्तार होता गया वैसे वैसे स्मार्टनेस बढ़ती गई वैसे वैसे नंबर बढ़ते गए एक फैक्टर ये भी काम करता है तो तैयारी को लेकर बहुत जान देने की जरूरत नहीं है बेसिक बेसिक देख लीजिए और उसके बाद स्मार्ट तरीके से जो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन हैं उनको हैंडल करने का जितना अभ्यास हो ऐसे इंटरनेट पे बहुत सारे ब्लॉग्स हैं फॉरम्स हैं जहाँ आपको क्वेश्चंस मिलते रहते हैं किस्म उन के उनको इकट्ठा करते रहिए प्रैक्टिस कीजिए आपस में और अगर आप 100-200 ऐसे प्रश्नों का अभ्यास कर लेते तो फिर उसके बियॉन्ड आपसे कोई कुछ नहीं पूछने वाला लगभग रेंज आपको स्पष्ट रहती है तो इस सेशन को यहीं समाप्त करते शुक्रिया